أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اوكي ऐसे लगता है एक ही क्लास आज मैं एक ही है ना एक तो नहीं इतने सारे हैं लेकिन अच्छा? मैं आपकी आवाज क्लियर नहीं सुन पा रही हूँ आपकी आवाज मेरे पास बिल्कुल सही नहीं आ रही पता नहीं अब मेरे पास नहीं आ रही है या सबके पास नहीं आ रही है नहीं मेरे पास बहुत अच्छी बिल्कुल साफ आवाज नहीं अच्छी साफ आ रही है अच्छा अच्छा तो अपने माइक जब बंद करेंगे ना अभी तो इनशाला सब क्लियर हो जाएगा ओके जी जी ओके चलें स्टार्ट करें ओके थैंक यू वेलकम टू सी आई यू का आज हमारा uh, साहबा के कोर्स का आज हमारा अठारवा अठारवी वीक है यानी एटीन वीक है आज हमारा माशाल्लाह इससे पहले हम सत्रह क्लासेस कर चुके हैं और एटीन थे और मेरे ख्याल है कि नाइनटीन्थ तो होगी होगी मेरे ख्याल है कि बस मैक्सिमम जिस तरह मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम के ट्वेंटी से ऊपर कोशिश करते हैं कि ना जाए ट्वेंटी तो पे इंशाल्लाह हम खत्म कर लेंगे वैसे टेन वीक्स का कोर्स होता है और हमने इसको ट्वेंटी कर दिया क्योंकि हमने अच्छा खासी लंबी डिटेल्स में हम चले गए अबाउट ईच सहाबी ठीक है ना तो अल्हमदुल्ला लास्ट टाइम हमने दो सहाबियों के बारे में पढ़ा था एक सहाबी वो जिन्होंने जो लास्ट हमसे रह गए थे आपको याद है हम कौन सा टॉपिक था कि वो सहाबा जिन्होंने फतेह मक्का के बाद यानी कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के बाद जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था वो हमने सब पढ़ लिए थे एक रह गए थे लास्ट टाइम इबन थेम हातिम, हातिम तय के बेटे और वो हमने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था उसके बाद फिर हमने लास्ट टाइम शुरू किया था ये टॉपिक कि वो लोग जो ग्रो अप हुए हैं जो एज मुस्लिम जिनकी अप्रिंगिंग है एज मुस्लिम हुए वो पैदा ही मतलब मतलब या तो बहुत छोटे पांच साल में मुसलमान हो गए या जो भी उनका घराना मुसलमान था और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग ग्रुआ पैज मुस्लिम उसमें हमने सबसे पहले एक ही के बारे में पढ़ा था सुबह हमने फातिमा रदी अल्लाह तहा के बारे में पढ़ा था जो कि नबी वम और खदीजा रदी अल्लाह तहा की बेटी थी और माशा उसका इतना लंबा उनका पढ़ा हमने कि हमारा टाइम खत्म हो गया तो आज इनशा हम उधर से फिर कंटिन्यू करेंगे फातिमा रद्दील्ल तन्हा के बाद आज हम पढ़ेंगे उन सहाियों के बारे में जो ग्रुआ फेज मुस्लिम आज हढ़ेंगे उसमे हबीब इबन जईद रदी अल्लाह त इनके जिस तरह आपको बताया पहले भी के कुछ ऐसे थे जो के बहुत उनका नाम नहीं आता, है। के बारे में नहीं आता है और बहुत सारी खिलाफत में नहीं थे वो वॉर में आगे नहीं थे तो इसलिए बहुत लोग लेकिन देखें ये ये वो उनमें उन से है कि जो हु मुस्लिम अप एज अ मुस्लिम और शहादत भी उनको एज मुसलमान हुई तो हमें इनके बारे में मुझे इनका किस्सा बहुत रोने वाला लगता है और आपको पता है कि ऐसे किस्सों से हम सबक भी सीखते हैं तो हबीब इब्न बन जैद रदी अल्लाह कौन थे हबीब इब्न जैद जो है वो बेटे थे उनके अबू का नाम था जैद इब्न आसिम ताला इबन और वो जईद इबन आसिम जो थे वो मदीने में वन ऑफ द फर्स्ट पीपल थे जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया था लेकिन इनके बारे में आपने शायद इतना नहीं सुना होगा लेकिन आप लोगों ने जरूर हबीब इबन जैद की वालदा के बारे में सुना है क्योंकि मैंने खुद आपको पढ़ाया है किस तरह अहद की जब गजवाहद के दौरान नुसैबा बिनतिक नुसैबा बिन तिकाब रदी अल्लाह ताला अन्हा उनका नाम ही रख दिया गया था कि शी इज द लायनस ऑफ ओहद यानी कि वो शेर शेरनी कहलाई ओहद के गजबे में और वो सबसे पहली औरत थी जिन्होंने इस्लाम के डिफेंस में इस्लाम के लिए उन्होंने जाके एक्चुअली लड़ाई की बैटलफील्ड में

अपना हल्फ दिया था हल्फ वफादारी उसमें जो सत्तर आदमी थे, थे उन्हीं में हबीब इबन जैद भी थे, थे हबीब है मुझे ठीक से लेकिन आप इतना याद रखें कि हबीब इबन जैद जिनके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं वो और उनके वाले जैद इबन आसिम इसीलिए वो छोटे से थे और उन्होंने अपनी एलिजियंस नबी दी थी और जो दो औरतें थी उसने सेवेंटी टू अगर आप कह लें उसमें जो दो औरतें थी उसमें से एक नुशैबा बिनतिक थी जो कि हबीब इबन जैद की वालदा और सबसे पहले उन्होंने मतलब के औरतों में एलिजियंस दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकबा में और दूसरी जो खातून थी वो इनकी बहन थी नुशैबा बिनतिक की बहन थी यानी हबीब इबन जैद की खाला थी तो पूरी फैमिली आप देख लें पूरी फैमिली ही बिलीवर्स की थी तो जो हबीबन जैद के जो वाले थे बिन आसिम वो खुद भी स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे स्टॉन्च बिलीवर थे और कहा जाता है उनके बारे में जो हिस्टोरियंस लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि उनके बैकबोन में उनकी रीढ़ की हड्डी में आप कह लें कि रिब्स के बदले पसलियों के बदले ईमान दौड़ता था और उनके खून में ईमान था लेकिन उनके बारे में ये कहा जाता है बहुत कम लोगों के बारे में ऐसा कहा जा सकता है लेकिन हिस्टोरियंस ने उनके बारे में ये कहा है तो जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ ले आए आपको पता है अकबा जो था वो मदीना हिजरत करने से पहले था जब हिजरत मदीना हो गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आ गए उसके बाद ये जो जैद इबन आसिम थे इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब रहना पसंद फरमाया हर वक्त उन्होंने कभी भी कोई भी एक्सपेडिशन जो थी कोई भी जो अल्लाह की राह में कोई भी फाइट थी कोई भी एक्सपेडिशन थी उसको ना कभी मिस किया और ना कभी पीछे रहे मतलब पीछे रहे नहीं मतलब ये कि वो आगे आगे थे हर एक्सपेडिशन में ही वॉज इन द फोर फ्रंट हबीब इबन जैद जो है यानी अब हम ये हम जैद रदी अल्लाह कर रहे थे अब हम आते वही उनके बेटे जिनके बारे में आज हम कर रहे हैं हबीब इबन जैद जो है वो उन्होंने बैटल ऑफ बदर में यानी गजवाए बदर में शिरकत नहीं की थी और गजवाए अहद में भी शिरकत नहीं की थी क्यों क्योंकि उस वक्त वो इतने छोटे थे कि नबी ये कहा कि ये हथियार कैसे उठाएंगे छोटे थे नबी सलास में उनको शामिल होने से मना कर दिया लेकिन उसके बाद गजवा बदर और गजवा अहद के बाद जो कुछ भी होता था वो जंग हो या ना हो कोई भी इंगेजमेंट होती थी कोई भी एक्सपेडिशन होती थी जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद होते थे उसमें हबीब इबन जैद जो है वो भी हिस्सा लेते थे और अपनी बहादरी मनवाने की कोशिश करते थे कि मतलब देखें मैं बहादुर मैं कर सकता हूं ना छोटे हैं जवान हो रहे हैं तो इन बैटल्स के लिए उनको अपनी बहुत इंपॉर्टेंस लगती थी कि ये बैटल्स में मेरे लिए पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है और और वो खुद ये कि वो डिमांडिंग भी बहुत थी ये बैटल्स और इससे क्या हुआ कि हबीब बिबन जैद जो हैं वो तैयार होते गए तैयार होते गए हर ग़बे में हर उसमें देखें अगर उन्होंने बदर और अहद में नहीं पार्टिसिपेट किया तो उसके बाद तो कर रहे थे ना पार्टिसिपेट खंदक में भी किया और जितने भी बाकी जितने भी एक्सपडिशन थे सब में पार्टिसिपेट किया सब में उन्होंने शुमलीत की तो जब हबीब इबन इद, इद, जैक जो है वो आस्ते आस्ते अपने अपने तैयार होते गए उन हर डिफ़िकल्टी से गुजरते गए और ये जितने भी गज्बात थे उससे उनकी जो है बहादरी बढ़ती चली गई और उनकी अपनी जो डेडिकेशन है वो बढ़ती चली गई लेकिन इससे सब करते करते एक ऐसा एनकाउंटर आया उनकी जिंदगी में एक ऐसा इवेंट आया एक ऐसा واقعہ आया कि उसके लिए वो तैयार हो गए वो इतना ऐसा एक एनकाउंटर था ऐसा एक वाकया था कि जिससे आप कहते हैं कि कहते हैं ना दिल दहल जाता है जब आप उनके बारे में सुनेंगी अभी तो आपका भी दिल दहल जाएगा आपको पता है कि <clears throat> कि अरब में आ, साउथ में जुद्ध है वहां पर हम, हम पढ़ चुके हैं पहले उसमें बीसीरा में भी पढ़ चुके हैं और अबू बकर खिलाफत के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि अरब uh, पेनसुला में क्या हुआ था कि वहां पर दो खास कर दो और भी लोग निकले थे जिन्होंने अपने आप को नबी क्लेम किया था लेकिन ये दो जो थे बहुत ही एरोगेंट लायर्स थे बहुत झूठ बोलने वाले थे और इन्होंने नबुअत क्लेम की थी और लोगों को वो अपनी तरफ खींचते चले जा रहे थे इसी गुनाह में इसी में कुफर और गुनाह और जो भी आप इसको कह लें इसमें वो अपने अपने इर्द गिर्द के जितने लोग हैं उनको कोशिश कर रहे थे कि हम खींचते चले जाएं और ये लोग हमारे चुंगल में आ जाए किसी तरह तो उनमें से एक आपको याद है मैंने बताया था अल अल इबन इबन काब थे वो सना से थे ठीक है ना सना से यानी यमन से और दूसरे जो थे वो कौन थे मुसलमत द लायर उनका नाम ही मुसलम द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रख दिया था और वो कहा थे अल यमामा के थे यमामा के थे वो मुसलमह द लायर या मुसलमा द कजाब ये दोनों इम्पोस्टर्स थे दोनों झूठे थे और दोनों ने बिलीवर्स के अगेंस्ट अपने जो उनकी जितनी भी ट्राइब्स थी जितनी भी ट्राइब्स थी उनके साथ उन्होंने उनको इंसाइट करने की कोशिश की और फिर सुन ये हुआ कि उन्होंने मुसलम्मा के जो लोग हैं वो थोड़े बढ़ने लगे जब वो थोड़े बढ़ने लगे और मुसलमा को लगा कि अब मैं पावरफुल हो रहा हूं अब मेरी जो है फॉलोइंग है वो बढ़ती चली जा रही है अब वहाँ फेसबुक तो नहीं था कि लोग फॉलो करेंगे अब वहाँ वैसे ही उनको पता था कि फॉलोइंग बढ़ती चली जा रही है तो उन्होंने फिर क्या किया उन्होंने नहीं उसने मुझे गुस्सा आता है उस पर उसने क्या किया मुसलमान ने क्या किया मुसलमान दज्जाब ने क्या किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी जरत की कि उनको एक ख़त लिखा और खत में क्या लिखा फ्रॉम मुसलम् मुसलमा की तरफ से द मैसेंजर ऑफ गॉड अपने आप को लिखा फ्रॉम मुसलम् द मैसेंजर ऑफ गॉड मैं अल्लाह का रसूल हूँ मेरी तरफ से टू मोहम्मद मोहम्मद को द मैसेंजर ऑफ गॉड मतलब उनकी नबूत को डिनाई नहीं किया लेकिन ये कहा आप भी नबी भी हैं मैं भी नबी ये उसका तरीका था और फिर आगे लिखा पीस बी ऑन यू असल लिखा और फिर ये कहा कि आई एम प्रिपेयर टू शेयर दिस मिशन विद यू मैं आपके साथ इस मिशन में आप शरीक होके आपके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ अभी भी जितना भी लैंड है मेरे पास, मेरे पास, पास आधा लैंड है और उसके ऊपर मेरा कब्जा है कंट्रोल भी है कब्जा भी, भी है और आप जो है आप आधा ले लें यानी आधी आधे अरब पे मैं कंट्रोल कर लेता हूँ मैं नबूत कर लेता और आधे पे आप कर लें और कुरैश जो है वो काफी अग्रेसिव लोग हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक कातिब को बुलाया स्क्राइब को बुलाया और उनको डिक्टेट कराया कि मुसलिमा को ये लिखो उसने उसने खत लिखना शुरू किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिक्टेट करना शुरू किया इन द रहीम हर खत का एक तरीका यह है ने सिखा दिया कि नबी हमें उसके बाद लिखा फ्रॉम किसकी तरफ से यह भी मुसलमानों का एक तरीका था कि फ्रॉम पहले लिखते थे टू बाद में लिखते थे फ्रॉम मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह अल्लाह मोहम्मद वसल्लम जो अल्लाह के रसूल हैं उसकी उनकी तरफ से खत लिख रहा हूँ टू यानी किसको लिख रहा हूँ मुसलमा द कज्जा मुसलमा कज्जाब को ये खत में लिख रहा हूँ फिर आगे उनको पीस भी अपॉन हिम नहीं उनको सलाम नहीं किया, किया। यानी उन, उन लोगों पे सलाम जो सही रास्ता इख्यार कर, इख्यार करते हैं और फिर आगे कहा इंडीड वेरीली ये, ये, ये अर्थ जो है ये अल्लाह की है ये जमीन ये तमाम चीजें जो कायनात पूरी ये अल्लाह की है अल् और ये उनको हेरिटेज़ अल्लाह देता है जिनको वो चाहते हैं किनको देते हैं जिनको अल्लाह खुद चाहते हैं उनको हेरिटेज़ देता है ये नहीं कि आधी आधी जमीन आप ले लो आधी जमीन मैं ले लो आधा अरब आप ले लो आधा अरब मैं ले लू ये अल्लाह की मर्जी है ये पूरी जमीन अल्लाह की है आप जमीन बांट रहे हो मतलब हमारे यहाँ तो और भी बहुत सारे आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना सॉरी मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि देखें इस तरफ भी टेंजेंट पे जा रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे यहाँ पर हमारी हमारे पाकिस्तान में भी बहुत लोग हैं जो वो ये समझते हैं कि ये दुनिया जो है ये डिवाइडेड है कुछ लोगों में और अब्दाल और क्या क्या उनकी अगर आप पढ़ेंगे ना उनकी एक सूफी थिंकिंग है और वो ये कहते हैं कि ये अल्लाह अः ने डिवाइड किए हुए अपने अलिया में अपने लोगों में तो फला चीज को फलां करता है फला सब तो सब तो तो शिरक है मैं उसकी डिटेल में अभी नहीं जाऊंगी वो नुतुब अब्दाल वगैरह की डिटेल्स में नहीं जाऊंगी तो लेकिन अब यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बिल्कुल क्लियर है कि अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला खुद डिवाइड करते हैं अल्लाह ताला सॉरी अल्लाह ताला खुद उनको देता है हेरिटेज उनको देता है उनको देता है जिनको अल्लाह ताला चाहते हैं खुद ही और ये अल्लाह ही की जमीन है और फिर किसको देते हैं होम ही विल्स ऑफ हिज स्लेव्स अपने स्लेव्स में से और वो कहते हैं कि ब्लेड एंड है उन लोगों के लिए जो पायस हैं जो जो सालिहीन है और जो राइचियस हैं, यानी कि जो पायस और सालिन है और जो मुत्तकी हैं और जो हूफियर अल्लाह जो अल्लाह से डरते हैं उन्हीं लोगों के लिए है मतलब एक क्लियर मैसेज था कि तुम उन लोगों में से नहीं हो तुम झूठे हो और अल्लाह ताला और सलाम भी नहीं भेजा और सलामती उन लोगों पे है जो अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह पर सही ईमान लाते हैं और नेक काम करते हैं हैं और पायस हैं ये लेके नबी नबीस का मैसेज जो लेके मैसेज लेके मुसल्मा तक गया और इससे क्या हुआ मुसैल्मा को और गुस्सा आ गया तो मुसअल्मा ने और ज्यादा करप्शन शुरू कर दी और ज्यादा मिसचिफ और ज्यादा खराबी शुरू कर दी और और ज्यादा फॉल्स सूट को और ज्यादा झूठ को और ज्यादा स्लेंडर को मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तोहमतें लगा के झूठ बोल बोल के और लोगों को मुसलमानों को खूब अब्यूज करते रहे और लोगों को और ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट इंस्टिगेट करते रहे मतलब लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि के खिलाफ करने की कोशिश करता रहा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि कहा सोचा कि ये अब लास्ट चांस में एक दे दूं बिफोर मैं इनके ऊपर इसके ऊपर चढ़ाई करूं मैं एक लास्ट चांस दे दूं ताकि अगर वो कमे कन्विंस हो जाए तो अपनी ये जो क्रेजीनेस है अपनी जो मैडनेस है ये जो अपनी स्टुपिडिटी है इसको खत्म कर दे इसके लिए उन्होंने किसको चुना हबीब ए बनजैद रदी अल्लाह तु को अपना मैसेजर चुना हबीबन रदी अल्लाह तुम बहुत खुश हो गए और इतने, इतने कहा इतना बड़ा मिशन मुझे इस बंदे के पास भेजने के लिए मुझे नबी चूज़ किया वो इतने खुश हो गए और उन्होंने यही सोचा कि शायद इस तरह जब मैं जाऊँगा मुसलमह का दिल जो है वो जीत लूंगा और वो सीधे रास्ते पे चलना शुरू कर देगा तो फिर मुझे तो कितनी ज्यादा मतलब मुझे इसका रिवॉर्ड कितना मिलेगा एंड लेसली मिलेगा हियर आफ्टर में जब एक ऐसे कذاب का एक ऐसे बंदे का जो नबूत की आ, आ, का, अपना वो कर रहा है डिक्लेअर कर रहा है उस सीधे रास्ते पे आ जाएगा आपको पता है एक बंदे को भी मुसलमान हिदायत अगर अल्लाह दे दे आपके थ्रू तो कितना सवाब है तो कहते हैं मुझे तो आखिरत में एंडलेसली मुझे रिवॉर्ड मिलता ही रहेगा वो बहुत खुश हो गए और हबीब बिन زيد और वो चल पड़े उसके बाद जब वो वहां पहुंचे तो जब दजब ने रसूल का मैसेज पढ़ा उनको इतन, उसको इतना गुस्सा आ गया वो उसकी आंखें आते है, हैं ना कि वो जैसे अंधा हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल उन उससे बिल्कुल वो अंधा सा हो गया और और ज्यादा एरोगेंट हो गया और उसने क्या किया लोगों को बुलाया विटनेस करने के लिए और ये याद करता था कि वो जमाना था कि एक दिन था वो जिस दिन मैंने ये किया अपने कारनामे पे वो कारनामा नहीं था वो ये कारनामा था कि हबीब इबन जैद को अंदर बुलाया गया उनके पास बुलाया गया हबीब जैद को ऑलरेडी इतने आ चुके थे इतने ब्रूजेस आ चुके थे जिससे पता चल रहा था कि उनको जब वो लाए थे मैसेज उस पर भी उनको बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया उनपे जुल्म तशद किया गया उनको बहुत मारा गया और उनके पूरे जिसम पे जख्म नजर आ रहे थे वो जो मुसलमे के आदमी थे उन्होंने इनको इतना मारा था अब उन्होंने कहा ठीक है ये बहुत अपने आप को बहादुर समझते हैं तो अब इधर आने दीजिए क्योंकि अब पूरी क्राउड यहाँ पर आ गई है सारे लोग यहां पर है विटनेस है विटनेस विटनेस पूरे लोग विटनेस है, जिस तरह आपको याद है मुसालाम के वक्त में भी फिर ने सबको बुलाया और सबके सामने वो जलील हुआ इसने भी यही किया इसने सबके सामने बुलाया और सबके सामने इसने कहा कि अब तो वो मेरे सामने इतने लोगों के सामने हार मानेगा ही मानेगा इतनी बड़ी क्राउड के सामने अब वो ये भी सोच रहा था कि जब ये मुशला ये कह रहा था ये उम्मीद रख रहा था कि जब ये विटनेस कर लेंगे सब और सब लोगों को तो उसका जो फेक प्रॉफिट हो डे जो झूठ कह रहा है क्राउड के सामने उसको भी क्रेडिबिलिटी मिल जाएगी ना लोग हाँ, हाँ, ये तो वाकई प्रॉफिट है देखा इसने ये किया ये किया ये किया और वो आदमी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मैसेंजर होकर आया है वो भी मान गया इनकी बात तो वो जो है वो एक मेरे करके बताएगा वो कहेगा देखा अब आपको मान गए कि अब मैं प्रॉफिट हूँ तो इस तरह उसके लिए उन लोगों के लिए भी वो लोगों को जो लोग उनकी बात नहीं मानते थे उनको भी कन्विंस कर देगा तो मुसैम कजाब ने हबीब इबन जैद रद्दी अल्लाह को सबके सामने ने पूछा कि क्या आप ये विटनेस करते हैं कि आप ये शहादत देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन अल्लाह के रसूल हैं हबीब इब्न ज़ैद ने बड़े बहादुरी से कहा ऑफ कोर्स यस आई डू बेर विटनेस मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन अल्लाह के रसूल हैं जैसे यह बोला मुसल्मा का मुंह जो है वो बिल्कुल सुफेद हो गया वाइट हो गया कहते हैं ह्यूमिलिएशन से शन से दो चीजें होती है एक तो इंसान का मुंह काला हो जाता है जो कि आखरत में होगा और जो जो दुनिया में में है जिंदगी जब आप किसी को कहते, कहते हैं ना फक हो गया गया सफेद पड़ डर से अजीब से से उसको इतनी शर्मिंदगी हुई फिर उस सेकंड सवाल पूछता है कि आप इस बात की शहादत देते हैं कि मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ हबीब ए ने जवाब दिया नॉन अरबी का लफ्स मुझे याद नहीं लेकिन इंग्लिश में नॉन यानी बेकार बात है बिल्कुल फजूल बात है जो तुम कर रहे हो तो फिर उसने पूछा कि फिर तुम ये टेस्टिफाई करते हो कि मैं मैं अल्लाह का मैसेजर हूँ दोबारा से पूछा तो हबीब इबन जैद अल्लाह दोबारा जवाब क्या दिया उन्होंने कहा मेरे जो कान है वो तुम्हारी बात और तुम्हारा क्लेम जो तुम कह रहे हो उसको सुनने से ब्लॉक हो गए ब्लॉक हो गए मैं सुन भी नहीं सकता कि तुम क्या बकवास कर रहे हो ना इस तरह से तो मुसलमान ने फिर क्या किया कि उनका उसका जो एग्जीक्यूशनर था जो लोगों को मारता था कत्ल करता था या पीटता था उसको कहा कि हबीब कि बिन जैद रदी अल्लाह ताला अनु का एक हाथ काट दो और दोबारा से फिर उनको क्वेश्चन किया और वही क्वेश्चन किया और हबीब बिन जैद रदी अल्लाह ताला अनु का वही आंसर था तो मुसलमान ने अपने एग्जीक्यूशनर से कहा कि इनका दूसरा हाथ भी काट दो तो एक हाथ दूसरा हाथ दोनों उनके काट दिए और फिर उनसे कहा अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी को काट दो अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी अब कौन सा पार्ट है जब कहा तो उन्होंने वही सेकंड हाथ काट दिया ठीक है सॉरी मैं पीछे चली गई थी तो फिर मुसलमान ने फिर पूछा फिर पूछा और मारते चले गए और परसिस्टेंटली ब्लोज मारते चले गए वो जो एग्जीक्यूशन था वो मारता चला गया एक सेकेंड में लेट आते हैं ना लेट आने वालों के लिए ना फिर ये होता है कि मुझे इधर से निकलना पड़ता है डॉक्यूमेंट से बाहर जाना पड़ता है और उनको एडमिट करना पड़ता है तो उससे काफ़ी डिस्टरबेंस हो जाती है इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ टाइम पे आया करें ताकि और लोग भी डिस्टर्ब ना हो और मेरी भी ये जो है डॉक्यूमेंट हटाना पड़ जाता है तो फिर क्या हुआ कि दोबारा उनको खूब मारते चले गए जोर जोर से मारते चले गए और हबीब इबन जैद को पूछते चले गए और हबीब इबन जैद बार बार ये कहते रहे कि मैं ये टेस्टिफाई करता हूँ मैं ये शहादत देता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह के रसूल हैं वो इस तरह करते गए करते गए करते गए और ये लोग मारते गए यहां तक के हबीब इबन जैद शहीद हो गए हबीब इबन जैद जो है वो ये जब जैसे ही वो शहीद हुए तो उनकी न्यूज़ जो है शहादत की वो उनकी अम्मी आपको याद है नुसैबा को पहुंची उनको ये न्यूज़ पहुंची और माँ ने सुन के सबसे पहले यही कहा न ला में राज और फिर उन्होंने यही कहा कि इसी ऐसे ही वाक्य के लिए मैंने अपने बेटे को प्रिपेयर किया था ऐसे ही शहादत के लिए मैंने अपने बेटे को तैयारी की थी उसको उसको रेज किया था उसका उसको बड़ा किया था हबीब जो है वो खुद के बता रही हैं कि हबीब जो है उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी हल्फ वफादारी दी थी जब ये छोटा सा बच्चा था अकबा में और आज ये एक एडल्ट है और इसने अपनी जिंदगी नबी के लिए दे दी तो फिर नैबा ने ये कहा कि अगर अल्लाह ताला मुझे अलाउ करे अगर मुझे इजाजत दे कि किसी वक्त मैं मुसलम्मा के करीब पहुंच जाऊं तो मैं उसको ऐसी मजा चखाऊंगी मैं उसको मतलब उसको अब यही था कि किसी तरह बदला ले ले कि मैं उसको सर्टनली उसको ऐसा करूंगी कि उसके बच्चे भी अपने मुंह मारते हुए रह जाएंगे मतलब उसको गुस्सा गुस्साया उसने ऐसा कुछ कहा ये अब ये सच है कि नहीं है लेकिन ये उसमें लिखा हुआ है ना तमाम उसमें डॉक्यूमेंटेशन में है अच्छा जो मुसलमा दसाब था उसने जब इतनी अपनी बेस्ती उसके साथ हो गई कि मरते मरते भी शहादत होते होते भी हबीब हबीबै जो है वो वही बोलते गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह के रसूल है और एक दफा भी नहीं बोला कि मुसलमा अल्लाह के रसूल है तो उसकी जो पूरी स्कीम थी जो उसका प्लॉट था वो पूरा फेल हो गया और ये प्लॉट जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के अगेंस्ट अपनी नबुवत बताने के लिए ये अ, 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 हबीब इبن زید के लिए ये फ्यूटाइल हो गई पूरी तरह से मतलब ये खत्म हो गई कि इतना बड़ा थप्पड़ था कहते हैं हिस्टोरियंस कहते हैं इतना बड़ा थप्पड़ था जो उसके चेहरे पे मिला कि वो जो खुद लोगों को बुला के एक मेरे दिखाने वाला था जिस तरह फिर ने किया मूसा को बुला के और उनके सामने जादूगरों को बुलाया वो जिस तरह फिर के मुँह पे एक थप्पड़ था इसी तरह इसके मुँह पे हिस्टोरियंस नहीं कह रहे मैं अपने आप से ऐड कर रही करी हूं, कि इसी तरह का एक थप्पड़ था और वो थप्पड़ इतना स्ट्रांग था इतना फियर्स था कि उसकी तमाम की तमाम जो इज्जत भी थी लोगों के सामने वो भी खत्म हो गई अच्छा उस दिन अगर हबीब इबन जैद रदी अल्लाह तु अगर वो अपने आप को बचाना चाहते इस इस अजीब सी मौत से तो अगर वो कह देते कि हाँ मुसलमान भी अल्लाह के रसूल हैं तो क्या होता क्या उनको माफ किया जाता क्या वो इजाजत थी हाँ हम पढ़ चुके हैं हमने पढ़ा था हमने मार बन यासर के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने क्या किया था उन्होंने जब एक दफ़ा उनको बहुत उनपे तशद हो रहा था तो उन्होंने कह दिया था कि हाँ ठीक है मतलब कुफर के कलमात बोल दिए थे जबकि उनके दिल में ईमान था और उसके लिए अल्लाह ताला ने आयत भेज दी कि जिसके दिल में ईमान है और उस पर टॉर्चर हो रहा है और वो उसमें अगर कह दे तो कोई बात नहीं और हमारे लिए भी यही सबक है कि अगर हमारी ज, सिर्फ जुबानी जुबानी टॉर्चर नहीं धमकी नहीं मतलब एक्चुअली आपको कोई मार रहा है आपको कोई खत्म कर रहा है आपकी जिंदगी खतरे में है और एक्चुअली तो उस वक्त आपको इजाजत है कि आप जो है उनकी बात मान लें और ये आपकी चॉइस है कि आप वो बात माने या नहीं माने ये नहीं कि आपने जरूरी माने लेकिन आपको इजाजत है और वो आपको गुनाह नहीं होगा तो लेकिन ये वो बंदे थे हबीब बिन जैद जिन्होंने खुद कहते हैं ना कि अकबा में जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्होंने हल्फे वफादारी उठाई थी और उस वक्त से उन्होंने अपने शोल्डर्स के ऊपर अपने कंधों के ऊपर तमाम जितने भी कोई भी चीज़ें थी इस्लाम के मुतल उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था उन्होंने अपनी लाइफ को अपनी जिंदगी को और इस्लाम के प्रिंसिपल्स को अलग अलग नहीं लिया था एक मिनट के लिए एक लम्हे के लिए भी नहीं लिया था इसीलिए जब हबीब बिन जैद को ये एक मौका मिला कि मैं शहादत हासिल कर लूं वो इससे घबराई नहीं वो घबराई नहीं और उन्होंने ये शहादत ब कबूल कर ली और इतनी अच्छी उनको शहादत मिली कि जितने भी और लोगों की शहादतें हैं उससे भी बढ़ के ये ज्यादा था क्योंकि वो अकेले थे सामने थे उनको मौका था और उन्होंने इस मौके से फायदा नहीं उठाया उन्होंने ये फायदा उठाया कि आखरत को हासिल कर लिया जब नबी सल व्ल् को जब हबीब इबन जैद की शहादत की खबर मिली तो वो बहुत सैड हो गए और जिस तरह मैंने आपको बताया कि बिन बेतकाब जो है उन्होंने एक ओथ ले लिया कि मैं जरूर मुसलमा को से मैं बदला लूंगी अपने बेटे का और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी इस तलवार से लूंगी और मैं इस तलवार को उसके जिसम में घुसा के छोड़ूंगी उसके कुछ बाद बैटल ऑफ यामा हुआ आपको पता है बैटल ऑफ यामा या क्या था था इसी के अगेंस्ट जो इम्पोस्टर्स थे जिन्होंने नबूत क्लेम की थी फॉल्स प्रॉफिट बने थे उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके थे और अबू बकर सिद्दीक जो हैं उन्होंने ऑर्गेनाइज किया ये आर्मी बैटल ऑफ यामामा का और जिसमें मुसलमान ऑलरेडी अपना एक ह्यूज आर्मी प्रिपेयर कर चुका था मुस्लिम आर्मी में कौन थे मुस्लिम आर्मी में नुसेबा बिन जो उन्होंने कहा मैं भी जाऊंगी लड़ने के लिए मुसलमानों की आर्मी के साथ साथ वो गई 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 और उन्होंने जब मैदान जंग में पहुंचे उन्होंने अपने राइट हैंड में उन्होंने तलवार ली हुई थी और लेफ्ट हैंड में उन्होंने एक नेजा लिया हुआ था तो एक तलवार एक नेजे के साथ वो शाउट करते करते यल करते करते चीखते हुए एक ऐलान करते करते वो दुश्मनों के रैंक्स में दुश्मनों के इलाके में घुस गई और जोर जोर से कहने लगी कहाँ हो मुसलमा कहाँ हो मुसलमा यू एनिमी ऑफ अल्लाह ओ अल्लाह के दुश्मन तुम कहाँ पर हो वो सोल्जर्स को आगे फलांगती हुई हाथ में तलवार और हाथ में नेजा लेके और उनके पूरे जिसम के ऊपर वुंड्स भी थे क्योंकि जब वो एक दुश्मन इलाके में बंदा घुस रहे लोग उनको मार रहे हैं मार रहे हैं मार रहे हैं और फाइनली वो पहुंच गई तक तो मुसलम्मा को नबी याद, याद सला के जो चचा थे हमजा इबन अब्दुल मुतलिब उनको पहले जब अपने सोट से अपने निजे से जब उनको शहादत हुई थी और इसने मारा था वाही ने इसने उसको अटॉन करने के लिए इसने फिर क्या किया बहशी ने इसने जाके फिर जिस वक्त मुसल्लामा के साथ बैटल ऑफ यमामा में लड़ाई हुई थी उसको उसी नेजे से मारा तो यही है जब वो तो उ, उस वक्त वो मुसलमान नहीं था बहशी यानी बैटल ऑफ ओहद से पहले और बैटल ऑफ ओहद में उसने ये किया था और अब जो है जब वो मुसलमान हो गए थे और फिर उसके बाद उन्होंने बैटल ऑफ यम्मा में मुसल्लामा को आ, आ, जब, मतलब आ, मार दिया तो ये गई नुसैबा पहुंच गई लेकिन उससे पहले वो फोत हो चुका था चलो इन... अब ये नेक्स्ट जो है जो अप एज मुस्लिम आज हम सेकेंड के बारे में जो पढ़ेंगे वो जैद इबिन रद्दील्ल्ला इनके बारे में आपने बहुत सुना होगा ये का नाम काफ़ी मशहूर है जैद साबित हम लोगों ने जब कुरान के बारे में पढ़ा था उलूम कुरान का कोर्स किया था उसमें भी आ रहा था कि किसने कुरान को इकट्ठे किया था कौन कुरान लिखता था नबी वसल्लम के साथ जब वही आती थी नबी वसल्लम जैद साबित को बुलाते थे कितनी हदीसें उन्होंने ये सब चीज़ें जैद साबित के बारे में है तो आइए पढ़ते हैं देखते हैं जैद बन साबित के बारे में सेकंड ईयर ऑफ हिजरा था यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि सेकंड ईयर ऑफ हिजरा था सेकंड ईयर ऑफ हिजरा में क्या था आपको याद है غزوه बदर غزوه बदर में ये हुआ था कि मदीने में लोग इधर से उधर फिर रहे हैं, सब इधर-उधर से आ रहे हैं जा रहे हैं और वो लोग तैयारी किस चीज की कर रहे हैं बदर की बदर की तैयारी कर रहे हैं साउथ जाने के लिए बदर की तरफ नबी और उनकी लीडरशिप में देखे ना आपको पता है मक्के में उनको लड़ने की इजाजत नहीं थी मदीना आए मदीना में भी साल गुजर गया एक साल गुजर गया सेकेंड ईयर में जब अल्लाह तुमने उनको इजाजत दी कि अब आप कुफार के साथ मुश्किन के साथ आप अब लड़ाई कर सकते हैं तब उन्होंने अपनी जिहाद की तैयारी की अपनी बैटल की तैयारी की गजवा की तैयारी की और जिन लोगों ने सालों साल तक यानी कम से कम उन्होंने 12 साल तक मुसलमानों को इतना तंग किया था इतना टॉर्चर किया था अब इनको मौका मिला कि अब ये अपनी आर्मी तैयार करें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जाके और उन लोगों पे उन लोगों से बदला लें अब ये जब इंस्पेक्शन कर रहे हैं पूरी आर्मी का देख रहे हैं इधर से उधर कौन कौन है एक एक को देखते हैं जा रहे हैं आपको पता है ना बहुत कम लोग थे बदर में कितने लोग थे कहते हैं तीन सौ कुछ थे कोई कहते हैं तीन सौ तेरह कोई तीन सौ समझे अबाउट थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड लोगों को देख लिख देख रहे हैं उसमें उनको देखा उन्होंने की एक बारह साल का बच्चा जो है वो वॉक करते हुए वहीं पर खड़ा हो गया बारह साल का बच्चा और वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था पूरा ऐतमाद लग रहा था और बहुत अलर्ट लग रहा था होशियार लग रहा था उसके हाथ में एक तलवार थी और वो तलवार कहते हैं कि या तो उनकी अपनी हाइट के बराबर थी तलवार या उनसे जरा सी बड़ी होगी तलवार मतलब वो वो इतने छोटे थे अभी आपको पता है है लड़का जब 12 साल का होता है, उसके बाद एकदम से शूट करता है 12 साल के बच्चे जो बच्चे जो हैं ज्यादातर ये होते कि उस वक्त वो बहुत छोटे छोटे से होते हैं तो अभी वो टीन्स में नहीं दाखिल हुए हुए होते हैं होने वाले होते हैं तो वो एक तलवार उनके हाथ में थी जो कि या उनकी अपनी हाइट के बराबर थी या पॉसिबली उनकी हाइट से थोड़ी सी ज्यादा थी जाते हैं वो वो और आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है वो बच्चा कहता है कि मैं अपने आप को वक्फ करता हूँ ओ अल्लाह के रसूल आप मुझे इजाजत दें कि मैं आपके साथ दुश्मनों के लिए मैं जब आप फाइट कर रहे हो अल्लाह के दुश्मनों से तो मैं आपके बैनर के नीचे हूँ यानी इस्लाम की बैनर के नीचे इस्लाम के फ्लैग के नीचे यानी मैं इस्लाम की तरफ से लड़ना चाहता हूँ नबी सल्लल्लाहु सल ने उनको देखा एडमरेशन से अप्रिसियेशन से उनके कंधे पे हाथ डाला उनको पैट किया बहुत प्यार से, और फिर उनसे कहा कि मैं 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 कमेंट करता हूं, मैं दाद देता हूँ कि तुम इतने छोटे से हो और तुम आए हो लड़ने के लिए लेकिन मैं अम्मी तुम्हें जंग में शामिल नहीं कर सकता गजबे में शामिल नहीं कर सकता ये बच्चा कौन था ये जैद इबिन साबित थे जैद बिन साबे जिनके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं बारह साल पे उनको रिफ्यूज कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वो बहुत डिप्रेस हो गए डिजेक्टेड हो गए और वो सैड हो गए बहुत ज्यादा अफसोदा हो गए कि मैं मुझे लिया नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और वो टर्न हुए और चले गए बेचारे अफसोदा से होके चले गए और बहुत स्लो स्लो जा रहे थे मतलब लिखा हुआ है कि वॉक इन स्लो एंड मेजर्ड पेसेस मतलब इतने स्लो स्लो जा रहे थे अपना सोट जो था अपनी तलवार जो थी उसको बार बार इस तरह जमीन में गाड़ते हुए जा रहे थे जिससे पता चल रहा था कि वो बहुत डिसअपॉइंट हो गए हैं जंग में ना जाने के लिए उनको ये लग रहा था कि मुझे ये ऑनर मिलना चाहिए था कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाऊं मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने इस एजाज से मुझे डिप्राइव कर दिया मुझे महरूम रख दिया मुझे इनकार कर दिया और ये फर्स्ट कैंपेन था और मुझे नबीला ने उसमें नहीं लिया उनके पीछे पीछे उनकी माँ आ रही थी जैदिन साबित की अम्मी उनका नाम था नवार बिन तिमालिक नवार मालिक, वो उनके पीछे आ रही थी वो भी इक्वली सैड हो गई आप देखिए माए कैसी थी हमारी हम लोग कैसे हैं हमारे बच्चे को कुछ भी होता है ठोकर भी लग जाती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं इस्लाम की राह में दीन की राह में जाने तो हम देना ही नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते ही नहीं कि हमारा बच्चा कहीं दूर चला जाए कहीं पढ़ने के लिए चला जाए कुछ करने के लिए ये तो जिहाद है। जिहाद के अलावा ये हम तो पढ़ने के लिए भी नहीं जाने देना चाहते हाँ, ये हमारा बच्चा कह रहा है दूसरे मुल्क में जाना है पढ़ने के लिए कोई इज्त जा रहा है कोई मदीना जा रहा है कोई कहाँ जा रहा है हम लोग तो परेशान हो जाते हैं बच्चे को भेज के लेकिन ये जिहाद में भी उसकी माँ जो है वो उनकी माँ जो है वो बहुत रिजेक्टेड सी फील कर रही थी और इक्वली सैड फील कर रही थी कि मेरा बेटा रिजेक्ट हो गया अब ये जहाद में नहीं जा सकेगा और उनको बहुत दिल चाहता था कि मेरा बेटा जो है वो मुजाहिदीन के साथ आगे जाए और ये जो इतना उनको तो पता नहीं था आगे कितनी जंगें आएंगी उनके दिमाग में ये था कि ये इतना क्रिटिकल टाइम है कि इस वक्त अल्लाह ताला ने इजाजत दी है और मुसलमानों की एक फौज बन रही है और थोड़े से लोग हैं ये कुफार के अगेंस्ट मुश्किन के अगेंस्ट जाके अभी लड़ेंगे और उसमें मेरे बेटे को रिजेक्ट कर दिया बहुत ज्यादा सैड थी फिर क्या हुआ कि थर्ड ईयर ऑफ इजराइल अब गजबा बदर खत्म हो गई अब गजब अहद की तैयारी शुरू होने लग गई जब गजब अहद की बद की तैयारी हो रही थी तो फिर कुछ मुसलमान टीन थे अब वो सब बारह साल के थे ये भी अब तेरह साल के हो गए और इनके साथ और भी कुछ लोग थे तो ये लोग आए और इन्होंने अपने आर्म्स उनके पास जो भी थे किसी के पास तलवार थी किसी के पास नेजा था किसी के पास तीर कमान था बोज एंड एरोज थे किसी के पास शील्ड थे जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो यूज करते हैं और वो सब लेके वो बच्चे जो हैं तेरह तेरह चौदह चौदह साल के बच्चे वो आए नबी सला टीन्स में थे वो सब वो आए और नबी को कह रहे थे हमें किसी भी कैपेसिटी में हमको ले, ले लेकिन मुस्लिम आर्मी में हमको दाखिल कर लें हमें आप मुस्लिम आर्मी में दाखिल कर लें कुछ लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें एक्सपेक्ट एक्सेप्ट कर लिया उनको आर्मी में दाखिल कर लिया जैसे एक, एक दो नाम मेरे सामने है राफी इबन खदीज खदीज है कि खदीज और समूरा इबन जुंदुब इन दो को उन्होंने ले लिया क्योंकि वो स्ट्रांग थे वेल बिल्ट थे अपनी एज के लिए और फिर उन्होंने रेस्टलिंग करके बताई उन्होंने वेपन्स को चला के बताया कि देखें हम इसको यूज कर सकते हैं ये हमारे लिए भारी नहीं है हमारे लिए बड़ा नहीं है और उनको नबी सल्लास ने इजाजत दे दी कि हाँ आप आ जाए और इसी तरह उनको इजाजत दे दी लेकिन दो लोगों को फिर मना कर दिया वो कौन थे एक बिन साबित उनको कह नहीं अभी भी आप बहुत छोटे हो और इन में आप फाइट नहीं कर सकते और एक और कौन थे अब्दुल्लाबन उमर उमर रदी अल्लाह बेटे अब्दुल्ला इबन उमर उनको भी मना कर दिया इन दो को मना कर दिया लेकिन उनको प्रोमिस किया कि अब जो भी नबी सल ने कहा कि अब जो इनशाला कभी भी लेटर कोई कैंपेन आगे नहीं कहा नेक्स्ट लेकिन लेटर कभी भी जब टाइम आएगा मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आप लोगों को इनशाला नेक्स्ट जो भी कोई अच्छा ऐसा मौका आएगा तो मैं आप लोगों को लूंगा और फिर उसके बाद पता चला कि फिर जब गजवा खंदक हुई उसने जैद, जैद बिन साबित जो है उस वक्त अबाउट सोलह साल के थे उस वक्त उनको अलाउ कर दिया उनको अलाउ किया कि ठीक है अब आप हथियार ले लें और मुस्लिम कम्युनिटी के डिफेंस में आ जाए उस वक्त वो सोलह साल के हो गए थे अच्छा जैद बिन साबित जो है वो उनको बैटल्स में शा, शामिल होने का बड़ा शौक था उनको बहुत दिल था कि वो लड़ें जिहाद करें लड़ें लेकिन उनका आपने देखा है कि उनके बारे में जब हम याद करते हैं तो कोई उनकी कोई का कोई ऐसी चीज नहीं याद कर सकते हैं कि जो उन्होंने जंग में ये किया या वो किया क्योंकि जब बदर की बदर में उनको नहीं एक्सेप्ट किया तो वो बड़े सैड हो गए थे लेकिन उन्होंने अपनी जो अलर्ट माइंड थी ना उनका जो दिमाग था उन्होंने कहा कि मैं और तरीके से भी तो इस्लाम की खिदमत कर सकता हूँ जिसमें उमर का कोई ताल्लुक नहीं है अगर मैं छोटा हूं तो क्या हुआ कोई ऐसी चीज करूंगा जिससे मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ जाऊं और इसमें उन्होंने सोचा सोचा तो उन्होंने कहा क्यों ना मैं दीन का इल्म हासिल करूं व्हाई नॉट नॉलेज तो उन्होंने ये किया कि इन इन द फील्ड ऑफ नॉलेज यानी मैं आगे बढ़ना चाहता हूं तो चलो मैं दीन का इल्म हासिल कर लेता हूं इस तरह मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखता रहूंगा और दूसरों को सिखाता भी रहूंगा तो ये उन्होंने दिल में कर लिया और स्पेशली उन्होंने ये इरादा कर लिया कि मैं कुरान हिफ्ज करूंगा मैं कुरान हिफ्ज करूंगा तो उन्होंने क्या किया जैद इबन साबित ने अपनी वालदा से यह कहा उनकी वालदा इतनी खुश हो गई फौरन उन्होंने कहा यह तो बहुत अच्छी बात है चलो हम कोशिश करते हैं किस तरह आपको कुरान कुरान के के जैसे हाँ पर स्कूल होता है कहते है, कुरान के लिए मैं आपको तैयार कर दूं और किसी के पास मैं आपको भिजवा दू जिसके साथ आप लर्न कर सकें जैद इबन साबित रदील की अम्मी जो है नवार उन्होंने अनसार के कुछ लोगों से बात की अब ये मदीना में है और वहां अंसारी हैं, उन लोगों से कहा कि आप किसी तरह ये मेरे बच्चे की ख्वाहिश है और मेरी भी ख्वाहिश है किसी तरह आप ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाइए तो उन्होंने और ये भी कहा उन्होंने कि मेरा ये ये पहुँचा दीजिए कि वो अल्लाह के रसूल हमारा जो बेटा है जैद साबित उसने सत्रह चैप्टर्स ऑफ द कुरान जो है वो उसने हिफ्स कर लिए अब ये जाहिर है कि जब जैद साबित ने कहा कि मैं कुरान हिफ्स करूंगा तो वो एक दिन में नहीं हुआ दो दिन में नहीं हुआ जितना भी टाइम लगा उन्होंने कुरान सत्रह सिपारे हिफ्स कर लिए थे सत्रह अज्जा हिफ्स कर लिए थे और उसके बाद उन्होंने उनकी अम्मी ने जा कर से बात की और अंसारी ने जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुँचाई और उनसे ये कहा कि और ये इतने करेक्टली मेरा बेटा रिसाइट करता है कि ऐसे लगता है जैसे आपको रिवील किया था उसी तरह से बिल्कुल मतलब कि तजवीद बहुत अच्छी है मेरे बेटे की और क़िरत और बहुत अच्छी है और इसके अलावा मेरा बेटा जो है वो लिखने पढ़ने में भी बहुत अच्छा है रीडिंग में भी राइटिंग में भी दोनों में वो बहुत अच्छा है तो ये अगर नॉलेज की फील्ड में अगर आप इसको कोई मौका दें जिसका ये चाह रहे हैं तो ये आपके करीब भी हो जाएंगे और आपकी सर्विस भी करेंगे और दीन का दीन की भी सर्विस करेंगे तो उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की नबी वसल्लम को कि आप प्लीज़ मेरे बेटे की जरा सुन लीजिए नबी वसल्लम ने जैद साबित को बुलाया और उनकी कुछ चैप्टर्स जो उन्होंने मेमोराइज़ किए थे यानी कि अज़्ज़ा जो मेमोराइज किए थे उसमें से नबी अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि मुझे सुनाओ जब जैद साबित ने सुनाया तो वो इतना ब्यूटीफुल था उनकी इतनी क्लियर वो थी क़िरत थी और इतनी ब्यूटीफुल उनकी तजवीज थी और उनकी क़िरत थी और उनके जो खास कर देखे हम लोग अगर पढ़ भी रहे होते हैं ना एक तो हमारी तजवीज़ गलत होती है मैं नहीं कह रही हूँ आप सबकी मैं कह रही हूँ जनरली हम सबकी तजवीज भी गलत होती है फिर हमारी किरत ब्यूटीफुल नहीं होती हम कुरान में अपनी ब्यूटीफुल आवाज भी नहीं डाल रहे होते हम जैसे तैसे पढ़ रहे होते हैं फिर तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुरआन में स्टॉप कहाँ पर है पॉज कहाँ पर है हमारे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह लग चुका है ना सबके यहाँ पर तो, तो है यहाँ पर नून है यहाँ पर ला मलिफ है सब चीज़ें तो हमें जीम है हमें पता चलता है काफ है कहाँ पर वक्फ करना है कहाँ पर स्टॉप करना है कहाँ पर पॉज करना है उस जमाने में तो नहीं था ना उस जमाने में तो कुछ भी नहीं था लेकिन वो समझते थे और करेक्ट पॉज करते थे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट करेक्ट जगह पर वो रुकते थे वो पॉज करते थे उनके स्टॉप्स और उनके पॉज से पता चलता था कि वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं फुल्ली जो कुछ वो रिसाइड कर रहे हैं हम लोग तो जो पढ़ भी रहे होते हैं हमें पता भी नहीं चलता है कभी कभी हम गलत जगह पे स्टॉप कर लेते हैं जो कि गलत मीनिंग भी दे देती है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हो गए बहुत खुश हो गए उन्होंने देखा कि जैद बबिन साबित के पास जो ये एबिलिटी है कुरान पढ़ने की और सुनाने की और किरत करने की और अंडरस्टैंड करने की ये जितना इसके रिश्तेदार बता रहे हैं और ये अंसारी बता रहे हैं और इनकी वालदा बता रही उनसे कहीं ज्यादा है उनसे कहीं ज्यादा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि उनको ये काम दे दिया कि ठीक है आप ऐसा काम करें कि जिसमें इंटेलिजेंस की भी जरूरत है यानी आपको होशियार होने की जरूरत है स्मार्ट होने की जरूरत है स्किल की जरूरत है एबिलिटी हो सलाहियत हो आपके पास और परसिस्टेंस हो यानी कि आप उस पर कायम रह सकें जो कुछ मैं आपको काम दूँ तो उनसे कहा नबी सलम ने जैद ऐसे करो कि मेरे लिए आप जूस की यहूदियों की जो लैंग्वेज uh, है वो आप उनकी लैंग्वेज मतलब को आप uh, समझो और आपको पढ़ना भी आ जाए और लिखना भी आ जाए तो जैदरदी तुम्हारों ने जवाब दिया कि मैं जाहिर है जो आप कहेंगे एट योर कमांड ओ अल्लाह के रसूल और उसके बाद उन्होंने जैद बिन साबित ने जो जूस की जो लैंग्वेज थी ही वो सीखना शुरू कर दिया और बहुत एंथ्यूजिकली सीखना मतलब फुल एम्बिशन से जैसे कि हम कुरान पढ़ रहे हैं इसी तरह उन्होंने वो भी सीख लिया यानी कि कुरान छोड़ दिया कुरान भी पढ़ रहे हैं कुरान भी सीख रहे हैं कुरान की मेमोराइजेशन भी चल रही है और उसको अंडरस्टैंडिंग भी और साथ साथ ये भी कर लिया फिर वो इस लैंग्वेज में हिब्रू में इतने प्रोफिशिएंट हो गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कम्युनिकेट करना होता जूस के साथ कोई भी चीज़ भेजनी होती वो जैद साबित उनके लिए लिखने लगे तो जैद बिबन साबित जो है वो हिब्रू से में जो भी चीज़ें जूस भेजते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिख के उसको ट्रांस उसको लिखते थे उसको ट्रांसलेट करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते थे लिख के भी देते थे और पढ़ के भी देते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हुए उन्होंने कहा ऐसे करो कि अभी एक और लैंग्वेज सीख लो सीरिया किया एरमिक जो एक और जुबान थी वो भी सीख लो तो वो भी ज्यादा साबित ने वो भी सीख ली तो अब उनका इतना इम्पोर्टेंट एक रोल हो गया इतना इम्पोर्टेंट फंक्शन हो गया कि जब भी नॉन अरबिक स्पीकिंग लोग होते थे उनके साथ बात करने के लिए ट्रांसलेट करने के लिए इंटर वो कहते हैं ना एक इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है वो कौन होने लगे वो जैद इबन साबित रदी अल्लाह तन हो वो करने लगे और उनकी एंथीजियाजम भी नज़र आती थी और जाहिर है उनका स्किल भी पता चल रहा था कि वो कितने काबिल हैं इस चीज़ में जब नबी सल्म हैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हो गए कि जैद इबन साबित अब बड़े भी हो गए अब वो लॉयल फेथफुलनेस तो उनको पता ही था पहले से लेकिन अब उनको ये समझ में आ गई कि ये अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज करने के लिए अब काबिल हो गए हैं बड़े हो गए हैं और ये महतात तरीके से करेंगे केयर के साथ करेंगे प्रेसिजन से करेंगे प्रिसीजन मतलब एग्जैक्टली exactly, जो एक्चुअल है उस चीज़ को सही तौर पे बिल्कुल प्रिसाइजली अंडरस्टैंड भी करेंगे और लिखेंगे भी और तीसरी चीज़ है एक केयर करेंगे मोहतात रहेंगे नंबर टू प्रिसाइज होंगे यानी एक्यूरेट होंगे गलती नहीं करेंगे और तीसरी हर कोई गलती कर सकता है लेकिन इनमें कम चांस है गलती करने का तीसरी चीज़ जो है कि अंडरस्टैंडिंग क्योंकि हर चीज़ आप समझ रहे हैं अरेबिक भी समझते हैं एराम भी समझते हैं हिब्रू भी समझते हैं और तो अब उन्होंने क्या किया नबी सल वसल्लम ने उनके ऊपर बहुत बड़ा एक टास्क उनके जिम्मे कर दिया उनसे कहा एक बहुत ये कहते हैं ना सकील बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर डाल दी कि जब मेरे ऊपर वही आया करे आप उस वही को रिकॉर्ड किया करें आप उस वही को रिकॉर्ड किया करें रिकॉर्ड का मतलब ये नहीं कि हमने अपना ऑडियो ऑन कर दिया हमने ये मेमो जो हम अपना इसमें लेते हैं वो कर दिया नहीं वो रिकॉर्डिंग वो रिकॉर्डिंग नहीं थी सुने और करेक्टली लिखें अब वही के लिए जरूरी है ना कि जो वही आती वो बिल्कुल करेक्टली लिखी जाए वो अकेले नहीं थे इनके अलावा कहा जाता है कि 48 और लोग थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, की लिस्ट में और थे इनको मिला के जो वसल्लम के लिए वही लिखते थे कहीं कहीं लिखता था 60 स्क्राइब्स लिखा हुआ और कहीं 48 मिनिमम 48 तो थे ही थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान उसी वक्त लिखते थे अब जो हमारी ओरिएंटलिस्ट है वो लोग ये कहते हैं ना कुरान लिखा ही नहीं किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लिखा ही नहीं गया उनके होने के दो साल के बाद दो सौ साल के बाद लिखा गया ये सारी झूठ बातें हैं और हमारे मुसलमान अफसोस ये है कि हमारे मुसलमान इसका शिकार हो गए मैंने अपने आ, इन कहते ना गुनागार कानों से सुना है कि लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई कुरान उस वक्त लिखा ही नहीं गया था अब क्या क्या ऐसे लोगों से बहस करें क्या उनको समझाएं जिनका दिल ये मानता ही नहीं है जो कि क्रिश्चियंस की सिखाई हुई जूस की सिखाई हुई बातों पे ऐसे आ जाते हैं कि वो कहते हैं कि कुरान उस वक्त लिखा ही नहीं गया था। लिखा गया था लेकिन कुरान इन द फॉर्म ऑफ मुसफ नहीं था एक कुरान एक जिल्द में नहीं था तो बहरहाल ये सब आप पढ़ चुके हैं जहाँ हमने कुरान किया था उसमें हमने ये सारा किया था कि कुरान किस तरह से उसको महफूज किया गया और किस तरह से कौन कौन लिख रहे थे कैसे लिख रहे थे क्या क्या हुआ किस तरह उसको जमा किया गया तो एनी तो जब कोई भी पार्ट ऑफ द कुरान कोई भी आयत रिवील हो रही होती नबी नबीम पे नाजिल हो रही होती तो नबी सल्लम अक्सर जैदबंद को बुलवाते और उनसे ये इंस्ट्रक्ट करते उनको ये कहते कि जल्दी से अपनी चीजें लेकर आए अपनी चीजें लेकर आई उन चीजों में क्या था कागज तो था नहीं उस वक्त तो पार्चमेंट जिस पार्चमेंट के ऊपर जो लिखते थे कोई दरख्त की कोई छाल होती थी उस पर लिखते थे और इंक पॉट ले आओ अपने साथ उस वक्त ये तो नहीं होता था ना कि हम लैपटॉप पे बैठे बैठे नोट कर रहे हैं और स्कैपुला स्कैपुला यानी जो हड्डी जो यहाँ की शोल्डर की हड्डी है क्योंकि उसके ऊपर भी हड्डियों पे लिखते थे छालों पे लिखते थे जो दरख्त की छाल है उस पर लिखते थे और पत्तों पे लिखते लिखते थे थे जो भी चीज़ मिलती थी उस पे वो लोग रहते थे। तो उनसे कहते थे अपनी चीज़ें जल्दी से लेकर आओ तो नबी अलैहि वसल्लम जिस तरह मैंने बताया सिर्फ वो अकेले नहीं थे जैद इबन साबित बल्कि और लोग भी थे लेकिन उन सब प्रोमिनेंट कौन थे जैद इबन साबित सबसे ज्यादा उनमें प्रोमिनेंट हो गए क्योंकि वो सिर्फ उस वक्त उन्होंने कुरान सिर्फ नबी वसल्लम के लिए लिखा नहीं बल्कि जब नबीम के जमाने में जब जब वो कलेक्ट कर रहे थे तमाम पोर्शन को तभी भी जो और लोगों ने भी जो कुरान नोट किया था उनके साथ साथ और लोग भी जो नोट कर रहे थे उनको भी नबी की सुपरविजन में जैद साबित ने उनको इकट्ठे किया उनको अरेंज किया और नबी सला के सामने वो पेश किया और नबी सला ने पूरा कुरान उनके सामने जैसे है जैद साबित ने पूरा कुरान उनके सामने जमा किया जमा का मतलब ये है कि लाके उनसे क, दिखा दिया, उनसे दिया, उनसे उनसे सुपरवाइज करा करेक्ट करा दिया किसी ने गलत लिखा हो तो वो भी ठीक करा दिया तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि जैद बिन साबित ने कहा कि हम कुरान को की जो वही जो होती थी उसको छोटे छोटे मैन जो हैं, हम उसमें से कंपाइल करते रहे और नबी वसल्लम की आ, हाजरी में उनको हम दिखाते जाते थे इस तरह जैद इबन साबित रद्दी अल्लाह जो हैं उन्होंने कुरान को डायरेक्टली उन्होंने एक्सपीरियंस किया किससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खुद ही मतलब डायरेक्ट सुपरविजन में ये नहीं कि किसी और के थ्रू डायरेक्टली पूरा कुरान उन्होंने सुपरवाइज किया और ये कह कहा जा सकता है कि जैद इबन साबित जो हैं वो कुरान की आयतों के सये में पले बढ़े के एक एक हर्फ को एक एक लफ्स को उन्होंने लिखा है उसको अंडरस्टैंड किया है और वो जो सरकमस्टांसिस थे उस वक्त यानी जो शान नजूल था वो भी उनको मालूम था इसीलिए वो जो है हर हर वर्ष, हर हुक्म शरिया के जितने भी अहकाम हैं, वो सब जितने भी सीक्रेट्स हैं हर चीज को वो अच्छी तरह से वो वेल well वर्स थे वो नॉलेजेबल थे उनको इन बा, इस बात का इल्म था, और वो वेल well डिजर्विंग थे कि उनकी इतनी रेपुटेशन हो गई कि वो एक लीडिंग स्कॉलर बन गए अमंग द अलैहि वसल्लम और जब नबी अलैहि वसल्लम वफात पाए तो इतना बड़ा जो टास्क था जो इतना बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जिम्मेदारी थी वो इन्हीं खुशकिस्मत इंसान जैद इबन साबित के ऊपर आई जो कि कुरान में स्पेशलाइज करते थे कि वो जो सबसे पहली पहला मसहब जो बना मतलब जो जो कि कंपाइल हुआ उसको मुसलमान उम्मा के लिए कि उसमें कौन इंचार्ज बना उसमें जैद इबन साबित और ये जो है ये ज़्यादातर इसलिए भी हुआ ये कुरान को कंपाइल करने का एक टास्क इसलिए भी आपको बताया था पहले क्योंकि जब आई ये जो ये जो यमामा का बैटल हुआ और जो इतने सारे लोग उसमें शहीद हो गए तकरीबन तो कहते हैं ना सत्तर या कितने सत्तर अस्सी हुफाज जो हैं वो शहीद हो गए थे जब इतने सारे उफाज शहीद हो गए तो उनको ये लग रहा था कि अब तो उमर रदी अल्लाह तन ने जाके अबू बकर रदी अल्लाह त हो उस वक्त खलीफा थे उनको कहा कि अब इतने सारे हुफाज हमारे शहीद हो गए हमें चाहिए कि हम जो अलग अलग जगहों पर ये कुरान है इनको मिला के एक बड़ा मेन्यूस्क्रिप्ट बना लें। और क्योंकि ऐसा ना हो कि ये इधर उधर टुकड़े रह जाएं इतने लोग शहीद हो गए और इसका कोई पार्ट भी एक हिस्सा भी एक आयत भी आयत का एक पार्ट भी कहीं गुम ना जाए तो उन्होंने कन्विंस किया अबू बकर पहले तैयार नहीं हो रहे थे ये सब आप पढ़ चुके हैं फिर अबू बकरो तैयार हो गए मान गए कि हाँ ये बहुत ज़रूरी है और उन्होंने फिर जैद इबिन साबित को बुलाया और उनसे कहा कि आप बहुत एक इंटेलिजेंट यंग मैन हैं और हमें ये जरा भी शक नहीं है कि आप किसी भी बात में कभी झूठ बोलेंगे या भूल जाएंगे आपका हाफजा भी बहुत अच्छा है आपने कुरान मेमोराइज भी किया हुआ है और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वही लिखा करते थे तो आपकी ये जिम्मेदारी आप इंचार्ज हैं इस बात के कि आप हर जगह से कुरान को जितने भी पीसेस में है जिस चीज पर भी लिखा हुआ है उसको आप जमा करके एक मैनुस्क्रिप्ट बना दें जैद रबी अल्लाह को समझ में आ गई कि यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इतनी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाद में वो कहते थे भाई अल्लाह अल्लाह की कसम अगर अबू बकरों ने मुझे कहा होता कि मैं एक पहाड़ को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर लूं शायद वो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होता जितना कि ये मुझे उन्होंने ऑर्डर दिया कि मैं कुरआन को कलेक्ट कर लूं क्यों आप में से कोई बता सकता है इसलिए पहाड़ को मूव करने में किसी का कुछ होता नहीं लेकिन अगर कुरान का एक लफ्ज भी गलत आ जाता एक हर्फ भी गलत आ जाता तो उससे पूरी मुसलमान उम्मा की डेविएट होने का खतरा हो जाता अल्लाह के लफ्स को घुमा देना अल्लाह के लफ्स को फिरा देना अल्लाह के लफ्स को गलत पढ़ लेना इसीलिए हमारे लिए तजवीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम आपने देखा जब हम दूसरी भी क्लास अरबिक की पढ़ रहे होते हैं उसमें किस तरह के एक फता कसरत डिफरेंट हो जाता है एक एक दमा डिफरेंट हो जाता है तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है तो जैद रदी अल्लाह तनों ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने जहाँ जहाँ से भी उनको कुरानिक मटेरियल मिलता था पार्चमेंट्स पे होता था स्कैपूला पे होता था दरख्तों पे दरख्तों के पत्तों पे होता था डेट पाम्स पे यानी कि आपको पता है खजूर के पत्ते खजूर की छाल इतनी बड़ी होती थी उस पे से सब उन लोगों से जिन्होंने मेमोराइज़ किया था जो हफाज थे और जो लिखते विचार थे उनसे कलेक्ट करना शुरू किया और ये बहुत मुश्किल काम था लेकिन जैद रदी अल्लाह अन हो जो थे वो इतने केयरफुल थे इतने मोहताज थे कि उसमें कोई एक सिंगल एरर भी now. मतलब चाहे वो अन इंटेंशनल हो चाहे वो इंटेंशनल हो लेकिन कोई भी अगर मतलब जरा सी भी केयरलेसनेस ना हो कि इस काम में कोई भी गलती सरजद हो जाए और जब जयदन साबित रदी अल्लाह ये पूरा कंप्लीट कर लिया तो उन्होंने ये जो सौहफ थे ये जो सब पेजेस थे या जो भी थे इनको सब इकट्ठे किया था यह सब फिर अबू बकरों के हवाले किया और अबू बकर रदील तनों ने अपनी वफ़ात से पहले उन्होंने उमर रदी अल्लाह तहों को दे दिया और उमर रदी अल्लाह तहों उन्होंने जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कंपाइलेशन ऑफ द कुरान में कि किस तरह उन्होंने हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा यानी जो उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वन ऑफ द वाइफ्स थी और महातुल मोमिनीन में से थी उनके पास रख दिया फिर क्या हुआ अब अब अबू बकर चले गए उमर रदी अल्लाह चले गए अब उस्मान रदी तक जब जमाना है उनकी खिलाफत थी उसमें यह हुआ था कि इस्लाम काफ़ी ज्यादा फैल चुका था उमर रदी अल्लाह अनहो के जमाने में काफ़ी फैल गया था इस्लाम दूर तक फैल गया था उसमें क्या हुआ कि डिफरेंट लोग जब पढ़ते थे उनकी रीडिंग में डिफरेंसेज आने लगी तो एक ग्रुप ऑफ कंपेनियंस थे सहाबी सहाबा उन्होंने उनमें उन्हों हु, हुजैफा इबन यमान भी थे वो कि उस वक्त इराक़ में थे वो आए और उन्होंने आके उस्मान

दोबारा से लिखा वही जो आ, 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 क्या था अबूबकर रदी अल्लाह तनो के जमाने का था उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाई फिर आ, कहते हैं दस कॉपीज या कुछ बनाई थी मुझे अभी याद नहीं है फिर उस्मान रदी अल्लाह तला ने किया, किया किया कि हर मुस्लिम प्रोविंस में उन्होंने एक कॉपी भेजी या वहां के, के जो गवर्नर को कि देखे ये कॉपी है इसके अलावा जितना भी कुरान किसी ने इधर उधर लिखा हुआ है उसमें डिफरेंस होगा ये होगा वो होगा तो स्टैंडर्ड कॉपी होनी चाहिए बाकी चीजों को जो है वो जला दिया जाए तो वो जो कुरान के जितने भी बाकी इधर उधर लिखे थे तो उनको जला दिया गया ताकि एक स्टैंडर्ड मुसफ़ आ जाए इसीलिए अभी भी हम उसको उस्मानी मसफ, मुसफ कहते हैं उस्मानी उस्मानी इसलिए कहते हैं कि वो उस्मान रदी अल्लाह तनों के जमाने में वो एक स्टैंडर्डाइज हो गया था ठीक है पहले कंपाइल हो गया था अब बकर रदी अल्लाह तनो के जमाने और इसको स्टैंडर्डाइज कर लिया गया था तो <coughs> ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये जो वेरिएशंस हो जाते हैं स्टैंडर्ड टेक्स्ट ऑफ द कुरान में इसकी वजह से मतलब चेंज होने का खदशा होता है उस्मान रदी एक कॉपी अपने लिए भी रखी बाकी गवर्नरों के भेजी और एक जो ओरिजिनल हफ्सा रदी अल्लाह से मंगाई थी वो उनको लौटा दी उनको वापस कर दी इससे अब ये पता चलता है कि शुरू से पता था अब और कंफर्म हो गया दोबारा कंफर्म हो गया से बारह कन्फर्म हो गया कि जैद बिबिन साबित जो हैं वो वन ऑफ द फोर मोस्ट अथॉरिटीज बन गए ऑन द कुरान उमर रदी अल्लाह तला एक दफा मुसलमानों को एड्रेस कर रहे थे खिताब कर रहे थे उन्होंने उनसे कहा ए लोगों कि जिनको भी कुरान के बारे में कुछ पूछना है तो वो जैदिन साबित के पास जाए और फिर ये भी हुआ कि जितने भी नॉलेज हासिल करने वाले लोग थे जो कि सहाबा में से थे और साहबा के बाद जो तबयीन थे ताबियन कह लें ताबीन कह लें जो कि सहाबियों के बाद जिन्होंने उनको सक्सीड किया वो जो दूर दूर से आते थे और जैद साबित से कुरान सीखना चाहते थे क़ुरान का इल्म सीखना चाहते थे शरिया का इल्म सीखने जाते थे तो जब जैद बिनत का जब इंतकाल हुआ तो अबू हुररा रदी अल्लाह क्या कहा कि आज इस उम्मत के स्कॉलर जो हैं आज आज उन केफा पा गए इस उम्मत के स्कॉलर सिर्फ इस इस डिस्ट्रिक्ट के नहीं इस प्रोविंस के नहीं इस कंट्री के नहीं इस रीजन के नहीं पूरे उम्मत के पूरी मुसलमान उम्मत के जो एक स्कॉलर हैं वो आज उनको वफात पा गए तो जब हम कुरान पढ़ते हैं जब हम सुनते हैं सूरा आफ्टर सूरा, आया आफ्टर आया जब हम सुनते हैं तो हमको ये सोचना चाहिए कि हम किस को ओ करते हैं इतना ज्यादा हम अल्लाह ताला के बाद नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इतने सारे साहब और उसमें से एक डीप हमारी जो एक थैंकफुलनेस होती है वो किस को जैद साबित को क्योंकि उन्होंने इतना हेल्प किया कि इस किताब को प्रिजर्व करने में अल्लाह खुद फरमाते हैं अल हिजर में लिख लीजिए नंबर नंबर अल हिजर में अल्लाह कहते हैं इन्ना जिक्र व इ लहू लहा यानी बेशक हमने नाजिल की है ये जिक्र यानी ये याद करने वाली रिमेम्बर वाली बुक जो है कुरान को कहा जाता है व इन्ना और बेशक हम लहू लहा हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं अब हम नेक्स्ट साहबी पे जाते हैं टाइम है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला इबन उमर अभी हमने किसके बारे में पढ़ता जैद इबन इबन साबित के बारे में और अब हम पढ़ने जा रहे हैं अब्दुल्ला इबन उमर अगेर ये उन सहाबियों में से हैं जो के जो के हु ग्रू अप इन इस्लाम हु ग्रू अप एज मुस्लिम आपको पता है उमर रदी अल्लाह तहों को आप पे छाते हैं उमर इबन खताब रदी अल्लाह तहो उनके ये बेटे थे अब्दुल्ला इबन उमर और ये मक्के में पैदा हुए थे और इनकी वालदा का नाम था जैनब बिन मज़ून जैनब बिनती माजून जैनब बिनती माजून, माजून ठीक है ना अब्दुल्ला इबन उमर जो है उन्होंने इस्लाम कब एक्सेप्ट किया था जबकि वो अभी दस साल के भी नहीं थे जब उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया था और उन्होंने अपने वालिद के साथ उमर रदी अल्लाह तलाह के साथ और अपनी बहन हफसारदी अल्लाह अन्हा के साथ आ, मदीने हिजरत की थी हफसा रदी अल्लाह अन्हा इनकी अब्दुल्लाइन उमर की बहन थी क्योंकि वो भी उमर रदी अल्लाह तहो की बेटी थी ठीक है ना और यही हफसा रद्दी अल्लाह ताली अन्हा है जिनके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे और यही हफ्ह रद्दी अल्लाह अन्हा है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वन ऑफ द वाइब्स बनी तो एक शुरू की एज से बचपन से ही कहते हैं ना बचपन से ही अब्दुल्ला अबन उमर जो है उनको बहुत ज्यादा शौक था बहुत कीम थे कि नबी सलम जो करते हैं वो भी वही करें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे और उनको ये होता था कि मैं भी वही करूं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं मतलब उनको फॉलो करूं उनकी इतबा करूं बस उनको जो भी वो करें मैं भी वही करूं तो अब्दुल्ला इबन उमर जो है आपको याद है कि वो आए थे अः जैदिन साबित भी इसी तरह अब्दुल्ला इबन उमर भी बैटल ऑफ बदर और बैटल ऑफ अहद अहद बदर और गजवादर अहद में उनको नहीं लिया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वापस कर दिया था कि आप लोग बहुत छोटे हैं लेकिन जब गजवा खंदक हुई उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन जब वो आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अलाउ कर दिया मुस्लिम आर्मी में ज्वाइन करने के लिए आपको याद है हमने बताया था कि जैद बिन साबित उस वक्त सोलह साल के थे अब्दुल्ला इबन उमर उस वक्त पंद्रह साल के थे लेकिन उनको इजाजत मिल गई यानी पंद्रह साल पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं और ये इस्लामी पंद्रह साल है इस्लामी पंद्रह साल पे एक लड़का अगर और उसके नई नजर आते हैं कोई भी चीज उसकी मेचोरिटी के उसकी एडल्टुड के तो उसकी ये निशानी नहीं भी है कोई भी तो भी जब वो पंद्रह साल का होता है तो ही बिकम्स एन एडल्ट ठीक है ना तो अब ये है अब्दुल्ला इबन उमर जो है वो उनको डायरेक्टली उनको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखने का मौका मिला और किन से जो द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ़ ऑल सबसे बेहतरीन टीचर थे सबसे अच्छे टीचर थे और वो कौन थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपको पता है उनकी जो टीचिंग्स है उसमें कोई गलत बात भी नहीं हो सकती मतलब बिल्कुल क्लियर हर बात उनको वहीं से मिलती थी और हर बात जो वो टीच करते थे अब अब्दुल्ला बनोमल जो है वो हर चीज़ को सुनते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हुए देखते थे यानी उनके हर कॉल को हर फेल को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करते थे बहुत गौर से देखते थे और उसको स्क्रूटिनाइज करते थे और उसको क्या करते थे हर सिचुएशन में उसको देख के और कोशिश ये करते थे मैं भी उसी तरह से प्रैक्टिस कर लूँ अगर वसल्लम ऐसे मौके पर Uh, बोला था ये कहा था मैं भी यही बात कहूं अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था मैं भी ये बात कहूं पहले भी मैं आपको बता चुकी हूं लेकिन फुल डिवोशन से फुल डेडिकेशन से और एग्जाम्पल आपको एक दो तीन दे देती हूँ जैसे अगर अब्दुल्ला उबिन रद्दील तनो देखते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर नमाज पढ़ी कहीं खड़े होकर नमाज पढ़ ली कहीं बैठ के नमाज पढ़ ली जो भी परफॉर्मिंग अ एट अ पर्टिकुलर प्लेस तो ये जाके समझे कि अब हम एक जगह एक तो इमामत है ना इमामत के अलावा मतलब फर्ज नमाज के अलावा उन्होंने या फर्ज नमाज भी कहीं सफर पे हैं कहीं जा रहे हैं घर से निकले हैं नमाज का टाइम हो गया जो भी हो गया अगर उन्होंने कहीं भी नमाज पढ़ी तो अब्दुल्लाबन रदी अल्लाह तू की यह कोशिश होती थी कि मैं उसी जगह जाके पढ़ूँ एनी वुड डू इट करते ही थे कि नबी सल्लल्लाहु सल्लास ने यह नमाज़ पढ़ी मैं भी यहाँ नमाज पढ़ूँ फिर अगर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे कि नबी सल्लल्लाहु सल्लास ने कहीं खड़े होकर दुआ पढ़ी है जब उन्होंने कहीं दुआ करी है तो अब्दुल्ला इबन उमर कहते थे मैं भी यहीं पर यहीं पर मैं दुआ करूं और खड़े होकर ही करूं ये आप देखिए उनका तरीका अब ये कोई जरूरी नहीं था ये जरूरी नहीं था ये फर्ज नहीं था लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं यही करूं अगर उन्होंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं पर बैठ के दुआ मांगी है कहते मैं भी बैठ के दुआ मांगू मतलब ये उनका जो एक हद दर्जा कहते ना एक्सट्रीम फॉलो करना और ये इसको ब्लाइंड फॉलोइंग या तकलीद ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि नबी वसल्लम को फॉलो कर रहे थे किसी आम इंसान को नहीं जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग ब्लाइंड फॉलोइंग करते हैं तकलीद करते हैं किसी की और उस वो इंसान है वो गलत ही कर सकता है नबी वसल्लम जो है उनको तो वही आती थी और लेकिन ये चीज़ आपको बताना जरूरी नहीं था कि वो खड़े होकर दुआ उधर कर रहे हैं वो फर्ज नहीं था ना उन्होंने उनसे कहा कि आप खड़े होकर यहाँ करना और बैठ के यहाँ पढ़ना अगर उन्होंने कहा होता हुक्म दिया होता कि हुआ खड़े होकर तो और अगर वो इन एक्शन था कोई मतलब ऐसे ही नबी सल यानी एक दफा यहां तक भी हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे थे ये उमर उनके साथ थे उनके पीछे थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पहुंच के एक स्पॉट पर पहुंच के उन्होंने अपने ऊंट को ऐसे टर्न किया टर्न किया और उसके बाद फिर दोबारा से टर्न किया यानी ट्वाइस एक ही जगह पे उन्होंने अपने ऊंट को घुमाया टर्न किया उतरने से पहले ऊंट पे बैठे हुए थे उन्होंने ऊंट को एक दफा घुमाया फिर दूसरी दफा घुमाया और फिर जाके वो उतरे ऊंट पर से जब अब्दुल्ला अबन उमर ने ये देखा रदी अल्लाह तला तो वो ये भी करने लगे कहने लगे नहीं मेरे नबी ने यहां से टर्न किया था मैं भी यही करूं अब लोग सवाल पूछेंगे इसमें सबाब है कि इसमें नहीं है कि ये क्या है तो देखिए ये एक इमिटेशन थी वो उनके साथ थे वो उनको फॉलो कर रहे थे और उनका इतना दिल था कि मैं यही करूं जो मैं और वो सीख रहे थे उनसे तो वो सीखते जा रहे थे आयशा रदी अल्लाह अनहा ने ये चीज़ नोटिस की थी कि अब्दुल्ल बिन उमर रदी अल्लाह तह जो है वो नबी सल वसलम से किस तरह वो फॉलो करते थे तो उन्होंने ये रिमार्क किया उन्होंने कहा कि देर वॉज नो वन हु फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ द प्रोफेट प्रोफेसर इन हिज कमिंग एंड गोइंग जब नबी वसलम कहीं जा रहे होते हैं कहीं से आ रहे होते हैं तो उसमें किसने सबसे ज्यादा उनके नक्शे कदम चले कौन वो stopped, और जहां पर वो जिस तरह अपनी ऊंट ऊँट से उतरे जिस तरह उन्होंने रेस्ट किया जिस तरह वो बैठ के दुआ पड़ी जिस तरह उन्होंने खड़े होकर दुआ पड़ी जहां वो रुके बस उन्होंने कहा उमर जो है वो इसी तरह करते हैं अच्छा बहुत क्लोज वो नबी अलैहि वसल्लम के थे नबी अलैहि वसल्लम के हर एक्शन को हर फेल को हर कॉल को वो कॉपी करने की कोशिश करते थे लेकिन बहुत ज्यादा मोहतात थे किस चीज में बहुत ज्यादा कॉशियस बरतते थे बहुत ज्यादा एहतियात बरतते थे और इवन डरते भी थे खौफजदा होते थे कि ऐसा ना हो कि मैं नबीम की कोई हदीस गलत बयान कर दूं ये उनको बहुत डर लगता था कि कोई भी हदीस मैं रिपोर्ट करूं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज से वो लफ्ज चेंज नहीं हो जाए तो वो सिर्फ उसी वक्त कोई हदीस रिलेट करते थे या नरेट करते थे जबकि वो हंड्रेड परसेंट श्योर होते थे कि उन्होंने ईच एंड एवरी वर्ड नबी सुनी है ईच एंड एवरी वर्ड कंप्लीटली श्योर है कि हंड्रेड परसेंट कि ये मैंने गलत नहीं लिखा सुना भी है लिखा भी है वो एक लफ्स भी उसमें ना ऐड करना चाहते थे ना सबट्रैक्ट करना चाहते थे सुबह ये उनका उन्होंने अपने जिम्मे यही कर लिया था उनके एक कंटेम्प्रेरी है उन्होंने ये कहा उनके मुतल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कंपेनियंस थे जो सहाबा थे उनमें से कोई भी इतना ज्यादा कॉशियस नहीं था सभी कॉशियस थे आपको पता है सब सहाबा कॉशियस थे इतना ज्यादा कोई कॉशियस नहीं था इतना ज्यादा कोई मोहतात नहीं था इतना ज्यादा कोई डरता नहीं था कि वो नबी सल के अल्फाज में कोई लफ्स ऐड करते या सबट्रैक्ट कर दें उनकी हदीस में से जितना कि अब्दुल्लाह बिन उमर रضي अल्लाहु तआला अनहो थे सिमिलरली आपको बताया था कि वो कोई भी पहले नहीं बताया था लेकिन अभी आपको सॉरी बता रही हूं कि बहुत एहतियात करते थे बहुत कॉशियस थे कि कोई भी फतवा दे कोई भी जजमेंट लीगल जजमेंट पास करें किसी को भी कोई भी जजमेंट पास करें बहुत इस चीज से डरते थे कि ऐसा ना हो कि मैं कोई गलत फैसला कर लूं ऐसा मैं मैं कोई गलत फतवा हम तो लेफ्ट राइट फतवे देते हैं ना हमें तो कुछ आता भी नहीं फिर भी फतवे देना शुरू कर देते हैं ये हराम है ये हलाल है ये गलत है ये क्यों किया अल्हम्दुलिल्लाह वो इतने हम्बल थे इतने इतनी इंकसारी थी उनमें कि वो डरते थे कि मैं ऐसा ना कोई गलत फतवा दे दूं। एक दफा कोई आए उनके पास कहीं से आए और आके उनसे पूछा कि इस चीज के बारे में मुझे आप बताइए कि आपका व्यू क्या है ना फतवा क्या है

कहते हैं लिखा हुआ है बुक्स में कि उन्होंने अपने ताली बजाई और उन्होंने खुशी खुशी अपने आप से कहा ओ सन ऑफ उमर यानी उमर का बेटा जो है उनको किसी चीज के बारे में पूछा गया और उनको नहीं मालूम था और वो कहते हैं कि मैंने जवाब दे दिया कि मुझे नहीं मालूम है कितनी बड़ी बात है हमसे कोई पूछता है तो हमें मालूम नहीं भी होता है तो हम अपने आप से गैस करना शुरू कर देते हैं हाँ मेरा ख्याल है ये होगा Uh, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे सामने कहते हैं मुझे नहीं लगता कि अल्लाह ताला से मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा भाई तुम्हारे लगने नहीं लगने से क्या होता है जो अल्लाह ताला ने लिख दिया वो लिख दिया हमारे लिए वो शरिया है जब नबी सलफ ने बता दिया वो हमारे लिए करना जरूरी है तो बहुत खुश हुए कि मुझसे पूछा और और बाप का नाम भी लेकर कहा कि उमर के बेटे से इबन उमर से पूछा गया कि okay, आपको ये चीज मालूम है और उनको नहीं मालूम था और उन्होंने कह दिया खुद ही कहते मैंने कह दिया आई डोंट नो इनके इस एटीट्यूड की वजह से ही इस रवैये के इस तौर तरीके की वजह से ही वो जज बनने से भी रिलेक्टेंट थे वो कहते थे मुझे जज नहीं बनना काजी उस काजी जो होता है ना वो जज नहीं बनना है और इसीलिए वो खलीफा के लिए भी क्वालिफाइड थे लेकिन वो कहते थे मुझे खलीफा नहीं बनना है देखिए काजी का जो रुतबा होता है ना जो उसका स्टेटस होता है जो उसकी डेजिग्नेशन या पोजिशन कहले जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और मुस्लिम सोसाइटी में उसका बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है अब तो हमारे पास है नहीं उस किस्म के ना काज़ी है ना जज है ना कुछ है अब तो इस्लामी निज़ामी हुकूमत ही मुश्किल से मिलती है तो आ, आ, इस्लामी हुकूमत तो वो जो है वो इतनी बड़ी प्रेस्टिजियस चीज़ होती है मतलब बहुत इज्जत वाली चीज़ होती है बहुत ऑनर होता है उसमें उसमें बहुत ग्लोरी होती है और पैसे भी बहुत होते हैं जज के लिए पैसे भी बहुत होते हैं लेकिन जब उनको उस्मान इबाफान रदी अल्लाह तु ने उनसे कहा कि आप जज बन जाए उन्होंने इनकार कर दिया और बात यह है कि उनकी रीजन ये नहीं थी उन्होंने इसलिए नहीं इनकार किया कि जो इम्पोर्टेंट पोजीशन है काजी की उसको अंडर एस्टिमेट किया कि भाई मैं काजी बनने के मैं क्यों बनू काजी ये नहीं लेकिन उनको ये डर था कि मैं जब जजमेंट पास करूंगा जब मैं फैसले करूंगा तो ऐसा ना हो कि मैं उसमें कोई मिस्टेक कर दूं जो कि इस्लामिक शरिया के अगेंस्ट हो जाए या कोई चीज हो जाए जिसमें गलत मैं फैसला दे दूं एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको अंदर होना चाहिए हमेशा सॉरी फिर मैं टेंजेंट पे जा रही हूँ लेकिन आप यकीन करें कि मेरे दिल में इसका इतना खौफ है मैं आपको ये नहीं बता रही हूं कि मैं बहुत अच्छी हूं लेकिन आपको दिल बता रही हूँ सच्ची बात शेयर कर रही हूँ आप लोगों से कि मुझे इतना डर लगता है इस चीज से इतना डर लगता है कि मैं किसी के कोई भी गलत फैसला ना कर लू मैं पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी जब दो स्टूडेंट्स के देखती थी ये फर्स्ट और सेकंड है मैं उनके एग्जाम्स के जो वो पेपर्स होते थे उसको बार बार पढ़ती थी बार इसका पढ़ती फिर उसका पढ़ती इसका पढ़ती फिर मैं कहती थी ऐसा ना कि एक नंबर से भी दोनों ऑलमोस्ट इक्वल एक नंबर से भी मैं इसको ज्यादा नंबर दे दूँ और मैं घंटे 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 बैठी होती थी टॉप टू फिर थर्ड लेके उनको ना मुझे करते करते फिर मैं जब यूनाइटेड नेशंस में गई तो जब मेरे सेक्रेटरी थे उनका जो मुझे परफॉर्मेंस इवेलुएशन लिखना होता था मैं लिख ही नहीं पाती थी ऐसा ना हो कि ए बी सी डी में से मैं इसको बी दे और ये असल में सी के काबिल है मैं इसको सी दे दू और ये बी के काबिल है या ए के काबिल है मैंने अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेस्ड कर लेती थी, थी ना तो भाई मैं कहती हूँ अभी भी ऐसी कोई पोजिशन अगर मुझे कोई दे के आप इनको मैं कहती हूँ भाई मुझे ऐसी पोजिशन नहीं चाहिए जिसमें मुझे फैसले करने पड़े इट्स रियली रियली डिफिकल्ट आप अपनी जिंदगी में देखेंगे कि कभी भी फैसला करना होता है इट्स नॉट ईजी छोटा सा फैसला जिससे अपने आप ठीक है लेकिन जो फैसले हैं जिसमें दो लोग है, किसी के भी मुतलिक फैसला करते अगर मैं जज नहीं बनूंगा मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो उन्होंने ये सोचा कि अब्दुल्ला अब उमर ने कि और लोग भी तो है जो कि क्वालिफाई करते हैं इस वक्त जो जज बनने के लिए तो कोई ऐसी कि अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो मुसलमानों के लिए कोई जज ही नहीं रहेगा कोई अगर ऐसा होता तो वो एक्सेप्ट कर लेते लेकिन उनको ये पता था कि अभी और लोग हैं जो इस काबिल हैं जो क्वालिफाइड हैं तो इसलिए उन्होंने कहा इतनी तो नहीं है ना कि अगर मैं नहीं एक्सेप्ट करूँ तो कोई भी नहीं होगा तो उस्मान रदी अल्लाह तहन जिन्होंने कहा था कि आप आपी बने उन्होंने एक शर्त पे उनको छोड़ा उन्होंने कहा मैं रिलीव करता हूँ आप जज ना बने लेकिन आप पब्लिकली और लोगों को ना बताएं कि आपने इनकार किया क्योंकि अगर आप लोगों को बताएंगे तो जितने और भी मुत्तकी जजेस होंगे उनको भी शायद वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाए कि ऐसा ना हो कि हम गलत फैसला कर लें वो भी क्विट ना कर दें उस्मान बिन उमर ने इस बात का उस्मान रदील्ला उनको गारंटी दिया कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा फिर अब्दुल्लाबन उमर जो है उनको Uh, सिर्फ ये नहीं था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें रिकॉर्ड करें और उनके उनको ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वॉर में पार्टिसिपेट किए मैं भी जितने भी मुझसे जिहाद हो सके जितने भी अल्लाह की कॉज में अपने दीन के लिए मैं नबी वसल्लम की Uh, सुन्नत पे इसमें भी मैं आगे आगे बढ़ूं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी वो उन मुजाहिदीन में से थे जो कि अबू बकर रदी अल्लाह तनों की जो फर्स्ट बैटल हुई थी आपको याद है जो वहीं पर जो के बैटल ऑफ यमामा भी था उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया और फिर जितने भी बैटल्स हुए उसमें भी उमर कोशिश करते थे कि उनको हिस्सा मिले तो अबू बकर खिलाफत में भी वो बैटल्स में हिस्सा लेते रहे और फिर उसके बाद जब उस्मान रदी अल्लाह तनो का की खिलाफत आई उसमें उन्होंने वो जो हमने पढ़ा था ना याद है उस्मान रदी अल्लाह तला की के बारे में कि नॉर्थ अफ्रीका में जब वो वहां पर जब कॉन्क्वेस्ट हुआ था तो उसमें भी वो थे और उन्होंने द बैटल ऑफ ऑफ कॉन्क्वेस्ट नहावंद जो था उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया था उस वक्त निन मुकर बैटल को लीड कर रहे थे लेकिन उनके लीडरशिप में अब्दुल्ला अब्दुल्ला बिन उमर ने भी पार्टिसिपेट किया था फिर उसके बाद जब मुआविया बिन अबू सुफियान रदील तन उनकी जब बारी आई मुआविया रदी अल्लाह तनो की बारी आई और वो जो थे uh, उस आ, उस आर्मी में उन्होंने जो आर्मी भेजी थी उन्होंने किस उन्होंने अपने बेटे माविया ने अपने बेटे यजीद को भेजा था याद है ये भी हम पढ़ चुके थे यजीद को भेजा था किसके आपको याद है किसको फाइट करने के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल पे याद है आपको वहां पर तो जब कॉन्स्टेंटिनोपल पे जब ये लोग गए तो उस वक्त भी यजीद के साथ भी यजीद की लीडरशिप में अब्दुल्ला उमर ने उसमें हिस्सा लिया उस द फाइट अगेंस्ट सुफियान बिन ऑल थे जो के कॉन्स्टेंटिनोपल में फाइट कर रहे थे अब्दुल्ला इबन उमर जो है उनको ये भी कहा जाता है कि ही इज द डिस्क्राइब किया जाता है बाज हिस्टोरियंस इन डिस्क्राइब किया ब्रदर ऑफ द नाइट यानी रात का भाई रात का भाई इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये वो भाई है हमारा मुसलमानों का वो भाई है जो कि रात को जागते थे बहुत सारे साहब भी आपको पता है जागते थे लेकिन वो रात को जागते थे नमाज के लिए और वो रोते थे और अल्लाह से इस्तार करते रहते थे और कुरान पढ़ते रहते थे रोते थे सलाह पढ़ते थे कुरान पढ़ते थे और रोते रहते थे और इस्तार करते रहते थे तो एक दफा नबी वसल्लम ने उमर रदी अब्दुल्लामर रदी अल्लाह तला की बहन हफ्सा रदी अल्लाह तहा ये अभी हम पुरानी बात कर रहे हैं कि जब उनको अभी तो हम आगे पहुंच गए लेकिन पुरानी बात कर रहे हैं कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था हफ्सा रदी अल्लाह तलाहा को कि अब्दुल्ला बहुत रायचस्प बंदा है लेकिन अगर ये रात को ज्यादा पढ़े याम उल्लेह ज्यादा करे ये सही बुखारी में है कि अब्दुल्ला इज अ ग्रेट राइस मैन इफ ही ओनली प्रेज मोर एट नाइट वो उठते थे पढ़ते थे लेकिन उनको यह होता था ज्यादा पढ़े उस दिन से अब्दुल्ला इबन उमर रदी अल्लाह ने कभी भी क्यामलैल छोड़ा नहीं और पूरी पूरी रात तकरीबन कभी पूरी रात कभी आधी रात जितना भी है तो चाहे वो घर पे होते थे चाहे सफर पे होते थे, चाहे सफर पे होते थे वो क्यामलैल को अबेंडन नहीं करते थे पढ़ते थे और आपको पता है कि उसमें यही कि कुरान भी पढ़ते थे इस्तार भी करते थे नमाज भी पढ़ते थे और जब रात की खामोशी होती थी तो उस वक्त वो अल्लाह को याद करके रोते भी थे और अपने वालिद की तरह उनके वालिद की तरह उमर रदी अल्लाह तला आपको पता है कि जब वो वो जब खलीफा बने उससे पहले उनका क्या हाल था सख्त कहलाए जाते थे जलाली कहे जाते थे लेकिन जब वो खलीफा बन गए आपने देखा कितने नरम हो गए जब अबू बकर रदील तनों को लोगों ने कहा कि अगर आपने उमर रदील तला को खलीफा बना दिया तो ये तो बहुत सख्त है बहुत हार्श है उन्होंने कहा नहीं जब ये खलीफा बन जाएंगे ये ऐसे नहीं रहेंगे तो उमर रदील तनों को भी उनकी भी आंखों में आंसू बहुत जल्दी आ जाते थे जब वो कुरान पढ़ते थे और कुरान की कोई ऐसी आयत आती थी जिसमें कोई वईद है जिसमें कोई वार्निंग है जिसमें कोई ऐसी बात आई है जिससे आप आ, आखरत आखिरत के बारे में यही डर लगता है कि अब क्या होगा तो उमर रदी अल्लाह भी बहुत जल्दी रोना आ जाता था और इसी तरह बिन अब्दुल्ला, अब्दुल्ला अब उमर को भी यही होता था जब वो पढ़ते थे तो उनको बहुत जल्दी रोना आ जाता और परेशान हो जाते थे अभी उबै, उ, उ, उबैद इबन उमेर रदी अल्लाह तु है वो बता रहे हैं कि एक दफा वो पढ़ रहे थे Uh, निसा की यानी नंबर और उनकी आयतें हैं फोर्टी निसा आया नंबर एंड वो उमर के सामने पढ़ रहे थे उनको सुना रहे थे और उसमें जब या आया ना, इजा मिन अला शहीदा यानी कि उस वक्त क्या होगा कि जब हम अल्लाह तहते जब हम लेकर आएंगे हर उम्मत के सामने एक शहीद यानी एक विटनेस एक शाहिद और हम आके कहेंगे नबी सबनेस हैं इन लोगों के अग, अगेंस्ट हाउा अलादेन्स्टनेस हा है या इनके लिए एक विटनस है। तो उसके बाद सेकेंड फोर्टी था, था योजन उस दिन योम उस दिन येजीनाश ये आ, आ, जो लोग ये करते थे कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिसओबे करते थे वो लोग ये ख्वाहिश करेंगे उस दिन यवीना कफरू कि जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की की जो लोग कुफर करते थे और असवाल रसूल और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिसओबीडियंस करते थे उनकी नाफरमानी करते थे वो ये उस दिन विश करेंगे यवुल्लजीना वो लोग ये विश करेंगे लो तो सवा कि वो कहेंगे कि काश हम जमीन के बराबर तो यानी कहते ना सवा सवा बराबर हम जमीन के बराबर लेवल हो जाए मतलब हम मट्टी बन जाए हम खाग बन जाए हम जमीन बन जाए अल्लाह अल्लाह हदीसा लेकिन वो से कुछ भी चीज छुपा नहीं सकेंगे अब्दुल्ला इबन उमर रदी ताला अन्हों, जब इन वर्सेस को सुनते थे तो वो क्या जब उन्होंने ये सुना तो उनकी दाढ़ी वो कहते हैं वो जो सुना रहे थे वो कह रहे हैं कि आ, कौन सुना रहे हमें उबैद इबन उमर उमेर वो कहते हैं कि उनकी दाढ़ी जो है वो इतना रो इतना उनकी पूरी दाढ़ी भीग गई Uh, एक दिन अब्दु, अब्दुल्ला इबन उमर जो है वो बैठे हुए थे अपने क्लोज फ्रेंड्स थे अपने तमाम जो फ्रेंड उनके साथ बैठे हुए थे कुछ लोगों के साथ मस्जिद में बैठे होंगे और उस वक्त सुरह मुतफी पढ़ रहे थे वो खुद सुरह मुतफिफिन या वो पढ़ रहे थे या लोग पढ़ रहे थे लेकिन बस ये बारे में है कि एन ही रेड हाँ उन्होंने पढ़ा हा सुरहुफी मुतफीन यानी सूरह नंबर एटी थ्री और उसकी आयतें नंबर वन से लेकर सिक्स तक शराह मुत्फ़िफ़ी शरा नंबर वन से सिक्स आपको पता है मुतफिफीन मुताफिन वो होते हैं जो लोगों से फ्रॉड करते हैं धोखा देते हैं उनको ज्यादा के बदले कम देते हैं तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या अल्फाज हैं वही वही मुतफिफ़ी यानी उन लोगों पर हलाकत है उन लोगों की पे तुफ़ है कि जो लोग जितना लोगों का हिस्सा है उससे कम देते हैं उनको अलजीना इज़्ज़तल नासी अस्तफ़ून ऐसे लोग जब लोगों से लेते हैं तो वो पूरा पूरा लेते हैं जब किसी से लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं यून यानी फुल लेते हैं वह इजाकाल और वजन हम युसर और जब वो खुद देते हैं उनको चाहे वो वजन से दें और चाहे वो मेजर से दे यानी नाप के दे रहे हैं या वजन करके तोल के दे रहे हैं उनको खसारे में डालते हैं उनको लॉस करते हैं उनके लिए खसारा करते हैं उनके लिए नुकसान करते हैं अल्लाह या यान उलाई का अन्ना ओ उसोन क्या इनको नहीं मालूम क्या इनको नहीं पता उलाय का वो लोग अन्ना हमब उसोन के वो लोग भी उठाए जाएंगे रिसरेक्ट किए जाएंगे दोबारा से लिया यानी उस दिन जो कि एक बहुत बड़ा दिन है या अजीम दिन है योम यकूम नासुल रबिल आलमीन ये वो दिन है जिस दिन इंसान जो है वो अपने रब के सामने जो रबिल आलमीन है जो रबुल आलमीन है उनके सामने खड़े होंगे खड़े होके क्या यानी कि वो जवाबदेह होंगे क्या लोगों को ये नहीं मालूम जो लोग धोखा देते हैं जो लोग कम तोलते हैं जो लोग कम नापते हैं और इसके बाद वो कहा जाता है ये जो उन्होंने सुनाया वो कहते हैं कि इसके बाद वो ये रिपीट करते रहे रिपीट करते रहे बार 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 यो मकूब मुन्नासुल रबीन योमयू मुन्नासली रबीन बार बार कहते रहे यहां तक के वो बेहोश हो गए अब आप लोग यही कहेंगे कि मैं ऐसी बातें बताती हूं जो हम खुद उस इतना कर ही नहीं सकते उस लेवल पे हम उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते लेकिन हमारी कोशिश तो होनी चाहिए ना वो लेवल सहाबियों का था इसीलिए नबी वसल्लम कहते थे कि मेरी जनरेशन जो है दिस इज द बेस्ट और उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है वो सेकेंड बेस्ट उसके बाद थर्ड जनरेशन उसके बाद और फिर आस्ते आस्ते वो जनरेशन वैसे नहीं रह सकती तो अब्दुल्ला उमर जो है वो अपने सहाबियों के दरमियान अपने कंपेनियंस के दरमियान उनको बहुत अच्छी तरह याद किया जाता है उनको बहुत जो लोग उनके बाद आए वो भी उनको बहुत अच्छे नाम से बहुत अच्छे अम, से याद करते हैं किस किस चीज़ की वजह से ख़ास कर तीन चीज़ों की वजह से पाईटी यानी उनका जो तखबा है उसकी वजह से उनकी जो किरदार है उसकी वजह से उनकी सिम्पलिसिटी की वजह से बहुत सिंपल थे वो और तीसरी चीज़ उनकी जेनरोसिटी की वजह से यानी बहुत सखी थे बहुत उनका बड़ा दिल था और लोगों को देने में उनको जरा भी उनको यानी इतने जेनरसली वो देते थे इतनी सखावत से देते थे कि अगर खुद तकलीफ में अपने आप को डालेंगे भी ना उनको फील नहीं होता था लेकिन जिसको देना होता था अपने माल दौलत से जुदा होने का उनको दुख नहीं होता था यानी वो जिनको दे रहे होते थे उस पर खुश होते थे कि मैं दे रहा हूँ और इसी तरह वो बहुत लोग ये भी उनको याद करते हैं कि वो बहुत अच्छे सक्सेसफुल कामयाब और बहुत ट्रस्ट वर्दी अमीन और रिलायबल ताजिर थे थ्रू आउट हिज लाइफ यानी ये नहीं कि वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए थे और अपने लोगों का खा रहे थे वो ताजिर थे उनके पास वेल्थ बहुत थी और मतलब वो गरीब नहीं थे वो अमीर थे उनके पास पैसे थे और लोगों को देते थे और इसके अलावा उनको बैतुल माल से भी स्टाइपेंड मिलता था और क्योंकि और फिर वो उसको भी किस चीज पे स्पेंड कर देते थे आपको पता है सहाबी इसी तरह करते थे वो भी वो गरीबों के लिए स्पेंड कर देते थे तो अयोबिन रसी रदी अल्लाह तु जो है वो कहते हैं कि मैं एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ एक वाक्य बताता हूँ अब्दुल्ला इबन उमर की Um, सखावत का कहते हैं अब अब्दुल्ला, उम, अब्दुल्ला इब्न उमर जो है उनको एक दफा बैतुलमाल से अ, चार हजार दिरहम मिले चार हजार दिरहम और उसके अलावा एक वेलवेट का ब्लैंकेट मिला वेलवेट का एक ब्लैंकेट मिला नेक्स्ट डे अयुब अनो कहते हैं कि मैंने उनको बाजार में देखा सुख में देखा और चारा खरीद रहे थे अपने अपने जानवर के के लिए अपने के लिए चारा खरीद रहे थे खरीद रहे थे और वो भी पे यानी उधार खरीद रहे थे चार हजार दरम इनको एक दिन पहले मिले हैं। और ये जो है आज जाके कर्जे पे क्यों ले रहे हैं चार हजार तो इनके पास होने चाहिए अयुब रदी अल्लाह तला हैरान हुए जाके अब्दुल्ला उमर रदी अल्लाह अनो की फैमिली से कहा क्या कल अब्दुल्ला इब्न उमर को चार हजार दिरम नहीं मिले और एक ब्लैंकेट नहीं मिला देखिए इनको ये भी होता था कि क्या हुआ क्यों ये मांग रहे हैं क्यों ये उधार पे ले रहे हैं उन्होंने कहा मिले थे तो अब अयुब अल्लाह तु कहते हैं लेकिन आज मैंने अब्दुल्ला को सुख में देखा बाजार में देखा वो चारा खरीद रहे हैं अपने ऊँट के लिए और उनके पास पैसे ही नहीं थे उधार में ले रहे थे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हाँ कल उनको पैसे मिले थे लेकिन रात होने से पहले वो पैसे पूरे बांट चुके थे और फिर उसके बाद उन्होंने अपना वो वेलवेट का ब्लैंकेट अपने कंधे पे डाला और वो बाहर निकल गए और उसके बाद जब वो वापस आए तो वो कंबल उनके पास नहीं थी तो जब हमने उनसे पूछा कि कंबल कहाँ पर गया तो उन्होंने कहा वो मैंने एक गरीब आदमी था उसको दे दिया तो अब्दुल्ला इब्न उमर जो है वो लोगों को भी इनकरेज करते थे कि गरीबों को खाना खिलाओ गरीबों की मदद करो जो पुअर हैं जो नीडी हैं जो मुस्तकिन है जो डिजर्विंग है उनको आप लोग दें और खुद क्या करते थे जब वो खुद खाना खाने बैठते थे तो अपने साथ वो यतीमों को और गरीबों को बिठा के अपने साथ खाना खिलाते थे और अपने बच्चों को भी डांटते थे कि आप लोग जो है अमीरों को तो खिलाते पिलाते हो उनके साथ तो उठते बैठते हो उनके साथ अच्छी तरह आप ट्रीटमेंट करते हो और आप गरीबों को आप इग्नोर करते हो तो एक दफ़ा उनको कहा अपने बच्चों से कहा कि आप लोग अमीरों को इन्वाइट करते हो और गरीबों को इन्वाइट नहीं करते हो इस तरह उनको डांटा तो अब्दुल्ला रदी अल्लाह तला के लिए कहा जाता है कि उनके पास पैसे थे वो वेल्दी थे लेकिन वो उस पैसे के गुलाम नहीं थे वो उस पैसे के उस पैसे को उन्होंने अपने लिए एक मास्टर नहीं बना लिया था उन्होंने ये नहीं किया कि ये पैसा है मैं अब इसका गुलाम बन गया और जो मेरा पैसा कहेगा मैं वो करूंगा और इस पैसे की खातिर मैं करूंगा इसके बदले उन्होंने वो पैसा नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जरूरिया जिंदगी पे खर्च की जो अपने जिंदगी की जरूरतियात है उस पर खर्च की और लग्जरीज के लिए खर्च नहीं देखिए अ डिफरेंस पैसा आपके पास है आप लोगों की मदद करें लेकिन आप अपने आप को अगर तकलीफ में इतना ज्यादा डाल रहे हैं कि आपकी नेसेसिटीज भी पूरी नहीं हो रही है तो वो सही बात नहीं है वो सहाबी थे वो कर सकते थे हम लोगों को ये नहीं करना है कि कल को हमारे पास पैसे हैं और हम सारा का सारा दे दें और फिर हम दूसरों के आगे जाके हाथ फैलाएं अगर इतना है कि हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं तो ठीक है एक दिन दो दिन तीन दिन का खाना है तो फिर ठीक है लेकिन वो लग्ज लग्जूरियस लाइफ नहीं करना चाहते थे और ये किस तरह था क्योंकि वो सिंपल थे सिंपलिसिटी थी इसीलिए उनके उस लाइफ स्टाइल में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था एक दफा उनके एक फ्रेंड है बस अब थोड़ा सा रह गया। एक दफा उनके फ्रेंड है एक जो खुरासान से आए और उनके लिए बहुत एक बहुत खूबसूरत एक एक सोब लेकर आए सोब वो जुब्बा जो पहनते हैं और आके उनसे कहा कि ये सोब मैं आपके लिए खुरासान से लेकर आया हूँ और ये जो है आपके लिए आपकी आंखों को ठंडक पहुंचाएगी लेकिन आप ऐसे करें ये जो आपने कपड़े पहने हुए ना खद्दर वद्दर टाइप के इसको हटाएं और ये खूबसूरत सोब ये पहन ले अब्दुल्ला रदी अल्लाह तला ने उनसे कहा मुझे बताओ जब उनको बताया तो उन्होंने कहा क्या ये सिल्क है रेशमी है उन्होंने कहा नहीं ये कॉटन है तो कहते हैं देखा थोड़े से खुश हुए उसके बाद उन्होंने क्या किया अपने राइट हैंड से उसको पुश कर दिया सोप को और कहा कि नहीं मैं अपने लिए डरता हूं कि अगर मैं ये पहन लूंगा तो कहीं मैं एरोगेंट ना हो जाऊं मैं बोस्टफुल ना हो जाऊं ऐसा ना हो कि मुझे फखर हो जाए मुझे गुरूर हो जाए और अल्लाह ने कहा है कि उसको कोई भी बोस्ट करने वाला बोस्ट करने वाला और एरोगेंट जो है वो अल्लाह को नहीं पसंद है कुरान को इतने अच्छी तरह समझते थे तो उनको दोस्त ने दिया था और हलाल था लेकिन उनको ये डर था कि ऐसा ना हो कि मैं इसकी वजह से इसको पहन के मुझ में गुरूर आ जाए एक ये मैमोन इबन महरान ये रिलेट करते हैं उनके बारे में कि मैं उमर रदी अब्दुल्ला इबन उमर अल्लाह के घर में एंटर हुआ मैंने जो उनके घर में चीजें पड़ी थी उन सब चीजों का मैंने अंदाजा लगाया एस्टिमेट किया मैंने कि ये जो इनके घर में चीजें इसकी कितनी मालियत होगी उनका पलंग उनकी ब्लैंकेट उनका कारपेट और जो कुछ भी था सब कुछ मिला के वन हंड्रेड भी नहीं बनते थे और ये इसलिए नहीं कि अब्दुल्ला इब्न उमर जो है वो गरीब थे वो कह रहे हैं इन डीट ही वॉज रिच वो रिच थे लेकिन और ना तो वो कंजूस थे कि भाई मैं खर्च नहीं कर रहा हूं अपने ऊपर वो जेनरस थे लेकिन उनको सिंपलिसिटी या कहते हैं सादगी वो पसंद थी अब आखिरी वाक्य है कि एक ओकेजन पे ये हुआ कि अब्दुल्ला अबन उमर जो है उनके लिए एक स्लेव था उनका वो आया इराक से आया इराक से आया और आके बिन उमर को सलाम किया और उनसे कहा मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ एक आपके लिए तोहफा लाया हूँ उन्होंने पूछा और वो क्या है तो वो स्लेव ने जवाब दिया गुलाम ने जवाब दिया जवारिश जवारिश अब तो वो स्लेब नहीं है ना तो वो स्लेब तो फ्री हो चुके हैं ना आप वो इराक से आए आके उनको बता रहे हैं कि जवारीश तो कहते हैं और जवारीश क्या होता है तो उन्होंने कहा ये जब आप खाना खाते हैं तो आपको हाजमे में मदद करता है कोई कहता है ये दारचीनी होती है कोई क्या होता है जो भी है हमें उसमें नहीं घुसना बस जवारिश उस जुबान में तो वो जवारिश जो उनको दिया तो वो कहते हैं ये आपको हाजमे में मदद करेगी इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड अब्दुल्ला उमर ने क्या जवाब दिया उन्होंने कहा कि मैंने कभी अपने पेट को पूरी तरह भरा नहीं है फोर्टी ईयर्स में चालीस साल में मैंने कभी अपने पेट को इतना भरा ही नहीं है कि मेरे पेट में इनडाइजेशन हो तो मैं इससे क्या करूंगा ये उनके बारे में देखें कि उन्होंने कभी उनको पेट खराब होने की जरूरत ही नहीं मतलब वो नौ, नौ, नौबत ही नहीं आई तो अब्दुल्ला इबन उमर की एक और सॉरी ये लास्ट नहीं था अब आया गया अब्दुल्ला इबन उमर जो है वो अपनी टंग को भी अपनी जुबान को भी बहुत रोकते थे कि कहीं गलती से मैं कोई ऐसी बात ना कह दूं कि जो कि गलत बात हो तो साल रदी अल्लाह तु यह बताते हैं कि अब्दुल्ला इबन उमर जो है उन्होंने कभी किसी स्लेव को भी ह्यूमिलिएट नहीं किया इंसल्ट भी नहीं किया और अगर उन्होंने एक ओकेजन पे उन्होंने किसी स्लेव को कुछ कह दिया ना तो उन्होंने उसके बाद वो इतना रिग्रेट किया उन्होंने कि उस स्लेव को उन्होंने फ्री कर दिया और ये ये अब्दुल्ला अमर बहुत अब्दुल्ला उमर बहुत ज्यादा केयरफुल थे कि किसी की भी इंसल्ट ना कर दें अपनी जुबान से हम लोगों की तरह नहीं चलते फिरते किसी को कुछ कह देते हैं अपने बच्चों को अपने घर वालों को कह देते हैं तो जैद इबन असलम जो है वो कहते हैं कि एक आदमी था और उसने नबी सला नबी सला नहीं, अब्दुल्ला इबन उमर को इंसल्ट करना शुरू किया जब इंसल्ट करना शुरू किया तो अब्दुल्ला इबन उमर खामोश रहे तो जब वो खुद दरवाजे तक पहुंचे अब्दुल्ला इबन उमर तो जाते जाते कहते हैं ये आसिम बता रहे हैं ना जैद Uh, किसने बताया था नहीं उन्होंने जो कहा कि मैं और मेरा भाई आसिम जो है हम किसी की इंसल्ट नहीं करते हैं तो जब उस्मान इबन अफान की डेथ हुई तो उस वक्त उनको ऑफ़र किया गया कि आप उस वक्त जो खलीफा थे उन्होंने उनको ऑफर किया कि नहीं मतलब उस्मान इबिन अफान की डेथ के बाद शहादत के बाद उनको ऑफ़र किया गया कि वो खलीफा बने लेकिन अब्दुल्ला अबन उमर ने इनकार कर दिया इसके बाद फिर मरवान ने उनको कहा आप खलीफा बने लेकिन उन्होंने फिर इनकार कर दिया और वो ये कहते थे मैं नहीं चाहता हूं क्योंकि जो खलीफा होता है कोई उनकी फेवर में होता है और कोई उनकी फेवर में नहीं होगा लेकिन हर बंदे को प्लेज करना पड़ता है तो वो कहते हैं हल्फ उठाना पड़ता है तो वो कहते हैं मैं नहीं चाहता कि किसी को मैं जबरदस्ती किसी को फोर्स करूं कि वो मुझे प्लेज करे अपनी हल्फ वफादारी मुझे दे लेकिन जब अली रदी अल्लाह तहो और मुआविया रदी अल्लाह तहो के दरमियान जब वॉर हुई तो उन्होंने ये सोचा कि ये तो कोई ऐसी वॉर नहीं है जिसमें कोई पर्पजफुल वॉर नहीं है उनका दिल अली रदी अल्लाह तो के साथ था लेकिन उन्होंने उसमें हिस्सा नहीं लिया तो जब लास्ट डेज आ गए अब्दुल्ला के तो उन्होंने कहा कि मैं मुझे किसी चीज में हर चीज में मैंने पार्टिसिपेट की मैं कभी भी रिग्रेट नहीं किया लेकिन मुझे ये अफसोस होता है कि मैंने अली रदी अल्लाह तू के साथ मैंने वॉर नहीं किया और वो अनजस्ट पार्टी के के खिलाफ था लेकिन चूंकि वो मुसलमान मुसलमान आपस में लड़ रहे थे तो उन्होंने हिस्सा नहीं लिया तो अब्दुल्लामर रदी अल्लाह उन्होंने जो कि इतने कॉशियस थे कि वो हदीसें ना नरेट करें फिर भी उन्होंने टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी दो हजार छ सौ तीस अदीस उन्होंने नरेट की और कहा जाता है कि हदीस नरेट करने में नंबर टू इनका था ही वॉज द सेकेंड इनटिंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ अहा अबी की वफाटी 73 हिजरा में हुई जबकि पचासी साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ कोई सवाल अलहमदुल्ला खत्म हो गया लग रहा था खत्म ही नहीं होगा कोई सवाल कोई कमेंट कोई कुछ कहना चाहे पूछना चाहे प्लीज इस वक्त पूछ लीजिए no किसी को अलहमदुल्ला no. नहीं, नहीं, बहुत अच्छा था सब सुन लिया माशाला अब्दुल्ला बिन उमर का नाम बहुत सुना था जैदिन का नाम बहुत सुना था, था। आज ये हाँ, हाँ, दोनों आ गया हमारा हो गया इंशाल्लाह थोड़ा रह गया अभी बाकी है ना थोड़ा अभी अभी बहुत नहीं बाकी है एटी थोड़ा, थोड़ा 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 हो बाकी है जी जी कोई और सवाल किसी का कोई और कुछ रुकसाना आज आई नहीं अभी हैं के के हैं। आप है कि चली गई है रुकसाना पहले अभी तक कुछ बोलना चाहें आज आपने पहली दफा क्लासेस टेन किया शायद लाइफ फरीदा अतिया इरशादा मिसबा

और उसपे हर दफा ही शर्मंदगी होती है बहुत ज्यादा तो वो कोई प्रैक्टिकल चीज बताएंगे अपने यहाँ के हम रिलेट कैसे करें हम हमारे तो इस बात बहुत आसान है कि देखो हम हम लोग लो ताजिर नहीं है हम लोग कुछ बेचते नहीं, नहीं है खरीदते नहीं है ठीक है ना लेकिन हमारे लिए आसान है अगर देखें आप जॉब में थी समझे अगर आप जॉब में है तो अगर जॉब है तो उसमें यही है कि जितना आपका टाइम है वो टाइम आपको जितना आपको आपका एम्प्लॉयर कह रहा है कि आपने ये करना है आप वो करें उसमें आप और चीजें ना करें सो टाइम यू आर कमिटेड टू डू आप उस टाइम में कोई गलत ना करें और आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको पूरा देंगे जब आप खुद इसी तरह आप कोई घर बेच रहे हैं कोई गाड़ी बेच बेच रहे रहे हैं हैं कोई चीज़ बेच रहे, उसमें उसमे तो मतलब नहीं जॉब का तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है हम जितने भी होते हैं काम कर रहे होते अल्हाँ अल्हाँ और ये हमेशा ज्यादा ही काम किया कम नहीं किया तो लेकिन ये मुझे लगा जैसे यहाँ ना हर चीज के पीछे इंश्योरेंस है और हर चीज वो है और जो यहाँ की पॉलिसीज है और वो सब है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब मतलब मैं अपना बताती हूँ हमारे घर में आ, लीक का प्रॉब्लम हुआ हुआ तो इसका क्या कि है क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है और बहुत सारे लोग तो सुन रहे होंगे तो अगर ऐसा प्रॉब्लम है आप मुझे फिर अलग से बता दें तो मैं आपको जवाब दूं याद क्योंकि अभी ठीक है ठीक है बस मुझे यही था कि हम तो पॉलिसीज के हिसाब से जाते हैं ना जो पॉलिसीज है तो उसमें तो आपकी से ही नहीं होती ना आपकी मतलब यू आर जस्ट लाइक यू नो वट एवर पॉलिसीज I don't know about this. आप मुझे हाँ. क्योंकि मैंने यहाँ पर जॉब भी नहीं की तो है हाँ, तो बस वही मुझे था कि मतलब अल्लाह के पास तो हर चीज़ लिखी होती है ना हम तो अल्लाह से डरते हैं तो नहीं जब, नहीं जब तक मैंने जॉब है जहाँ भी जॉब किए हम अल्लाह अल्ला का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग मतलब

सदा कला खैर सदा कला खैर वैकुम रहमतुल्लाह व रहमतुल्लाह सलाम अलैकुम अलैकुम अस्सलाम